हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन आई जी नीट पर आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे वापस डोमेन्स एंड फंक्शंस के रेंज के बारे में लेकिन पार्ट फोर में मतलब अभी तक जो हमने देखा बहुत सारे डोमेन्स के क्वेश्चन किए कुछ रेंज के भी क्वेश्चन किए और रेंज के अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा कि रेंज को किस किस तरीकों से सोचा जा सकता है थोड़े और क्वेश्चन आज हम करेंगे और अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस में हम एक्चुअली देखेंगे कि रेंज को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी उसको थोड़ा और एक्सपांड करेंगे और हमारे पर्सपेक्टिव को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे रेंज के लिए कि रेंज कैसे सोची जाती है तो शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर से बट जैसे ही हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं उससे पहले क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेंस का आई टी जे मॉड्यूल आपके लिए एट जीरो कॉस्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें लेकर आता है सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि हम इंश्योर करते हैं कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के हम एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाएँ और हर कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करें और ना सिर्फ कंसेप्ट आपको समझाएं बल्कि कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के साथ उसके एप्लीकेशन का भी इंप्लीमेंटेशन आपको हाथों हाथ उन्हीं लेक्चर्स में सिखाएं तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है नॉट जस्ट दैट हर टॉपिक के हो जाने पर उसकी डी आपको प्रोवाइड की जाती हैं यानी टॉपिक पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन और ना सिर्फ आपको डी शीट प्रोवाइड की जाती है बल्कि उन डी के वीडियो सोल्यूशन भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम की वेबसाइट पर मिलते हैं ऑल दो ये सारी चीज़ें एज एज एप्लीकेट होती हैं मैगनट ब्रेन्स आई टी जी नीट यूट्यूब चैनल पर भी तो आपको दोनों जगह सेम मटेरियल सेम चीज़ें मौजूद रहती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर पर आपको मिनिमम फाइव हंड्रेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए बाई ऑल द मीन्स बाई डिफरेंट डिफरेंट ऑल दीज मीन्स एंड ऑफकोर्स हम इंश्योर करते हैं क्योंकि आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आई आई टी जी मीन्स और एडवांस की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है वन ऑफ द वेज जो है वो ये है कि पास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई किया जाएँ क्योंकि वो आपको हमेशा हेल्प करता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न उस एग्ज़ाम की साइकी समझने में तो हम कोशिश करेंगे कि हम पास्ट ईयर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें मतलब कोशिश से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा हम डेफिनेटली करेंगे पास्ट ईयर्स के जी मेंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस और एडवांस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ताकि आपकी मेंस और एडवांस की भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप देख पाए कि जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो अलाइनमेंट में या सिंक में है या नहीं आपकी एग्जाम के एंड ऑफ कोर्स आपके जितने भी डाउट्स हैं आपको उनकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक लिंक मौजूद होगा जिसका नाम है आस्क मी योर डाउट जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप अपने सारे डाउट्स उस लिंक के थ्रू मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो सारे डाउट्स आपके मैं एक लाइव लेक्चर में रिजॉल्व करूँगा कोशिश करिए कि आप रेलिवेंट डाउट्स पूछें अभी फिलहाल जितने हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड डाउट्स हों क्योंकि डाउट्स तो क्लियर सारे हो सकते हैं लेकिन अगर जो पढ़ा है बस वही डाउट्स क्लियर हों अभी फिलहाल तो ज़रूरी है कि हम वैसा ही चलें क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ाने से कोई पॉइंट नहीं है तो हम रेलिवेंट डाउट्स ही अभी डिस्कस करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ना हो राइट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलवेज रिमेंबर हम वीकली टेस्ट चैप्टर वाइज भी कंडक्ट कर करते रहेंगे यानी अगर किसी भी चैप्टर पर आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है कि आपको देखना है कि आपकी उस चैप्टर पर कैसी कमांड है उस चैप्टर पर आपको कितना समझ आ रहा है तो उस चैप्टर के टेस्ट भी होते रहेंगे और उसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस इवेल्यूटी ऐसे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है अपार्ट फ्राम दैट येस ऑफ कोर्स आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेम्बर्स टाइमली लाइव आकर गाइड करते रहेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है कोई भी ज़रूरी चीज़ आती है किसी भी तरह का कोई इशू है ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा एड्रेस या एक्नोलेज करते रहेंगे इन सारे वीडियोज़ में और इन पर आपको सल्यूशन ला कर देते रहेंगे टू द बेस्ट ऑफ आर कैपैसिटी अपार्ट फ्रॉम देट ऑलवेज़ रिमेंबर चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होंगे यानी हर चैप्टर का एक ओवरऑल वन शॉर्ट रिविज़न यानी अगर गलती से कुछ यहाँ आपसे मिस हुआ तो एक और मौका है आपके पास कि उस वन शॉट रिविजन में क्विकली आप सारी चीज़ें एक बार फिर से समझ पाएँ और देख पाएँ ओवरऑल उसका एक पूरा ओवरव्यू हालांकि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि पूरा लेक्चर पढ़ना हमेशा ज़रूरी होता है वन शॉट रिविजन वुड बी समथिंग विच यू शुड डू वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन है ना तो हमेशा उसको एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ मत करना कि अगर ये पूरा स्किप करना है तो आप वो देख लीजिए ये आखिरी में करने वाली चीज़ है जब ये हो जाए तो वो करना आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं है ना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट येस हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे तो जेई मेन्स के मॉक्स जे एडवांस के भी मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं और सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में कैसे पेपर देना है एंड कैन यू बिलीव ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रीन्स आपको प्रोवाइड करता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज का लेक्चर या आज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था तो हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप भी मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं बस आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है थोड़ी कुछ चीज़ों की थोड़े एक एग्जाम्पल लेके उसको थोड़ा और कंसालिडेट करते हैं फिर हम आज के लेक्चर में जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे तो जल्दी से ध्यान से सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सी बातें क्या है ध्यान से सुनिएगा हमने डिस्कस किया फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। लेट्स से एक क्वेश्चन ले लेते हैं थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस लेट्स से सेवन एक्स माइनस टू ये, right? ये एक क्वाडरेटिक इक्वेशन है राइट ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मैं चाहता हूँ सर क्या आप इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं तो दो बातें स्टूडेंट्स या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें और मैक्सिम और मिनिमा निकालने की कोशिश करें बट आई वुड रिकमेंड कि सर उसके बिना भी अब हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं क्लास जरूरी है बस आप इतना याद रखें कि बस पहले ये देख लो कि क्या इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशन है वो नेगेटिव है, है या पॉजिटिव तो सर अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशन देखूँ तो वो थ्री है और थ्री ज ग्रेटर देन जीरो और जैसे ही मुझे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव दिखता है मुझे बस इतना क्लिक कर जाता है कि इसका जो कर्व है इसका जो कर्व है वो अपवर्ड फेसिंग होगा मतलब इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न कि वो एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं सिर्फ एक बार करेगा या दो बार करेगा हमारे लिए मसला बस यह है कि वह कर्व का फेस कैसा होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा और मुझे दिख रहा है ये अपवर्ड पैराबोला है और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो सर ये वाई एक्स पे तो ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा और पे इसका कहीं ना कहीं मिनिमम होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्जैक्टली exactly ऐसा बनेगा इसका ग्राफ वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पर पर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ होगा मतलब एक्सिस को लेकर आम नॉट वेरी श्योर एक्सिस को लेके आम नॉट वेरी श्योर दैट्स दट एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो पॉइंट होगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा एक्सेक्सेस रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस बी ए पॉइंट टू ए और इसे मतलब एक्सिस नहीं है ना ये बस एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये जो वैल्यू होगी ये होगी एफ ऑफ माइनस बॉइंट टू ए और यही इसका मिनिमा होगा क्योंकि इसका मैक्सिमा तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अगर इसका मिनिमम और मैक्सिमम मुझसे कोई पूछे तो मैं निकालना चाहूँगा कैसे बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि सर पहले तो माइनस बे अपॉन्ट टू ए निकाल लेते हैं तो माइनस बी अपॉन टू ए होगा क्या ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स ये होता है ए एक स्क्वायोयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस सेवन और टू ए कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स तो सर अगर आप माइनस बी अपॉन टू ए में इंटरेस्टेड हैं तो वो होगा सर माइनस बी टू ए कितना सेवन का नेगेटिव माइनस सेवन और डबल ऑफ ए डबल ऑफ ए यानी थ्री का डबल डैट सिक्स तो ये हो जाता है माइनस सेवन बाई सिक्स यानी सर ध्यान से सुनिए x की जो वैल्यू है क्या वैल्यू है सर माइनस सेवन अपॉन सिक्स इस वैल्यू पर इसका मिनिमा अचीव होगा इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो इस पर अचीव होगी कैसे मतलब वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या तो मिनिमम वैल्यू होगी कि सर एक्स की जगह माइनस सेवन बाई सिक्स रख दीजिए तो हम निकालने वाले हैं एफ़ ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्स वे दफ ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्स है क्या सर एफ ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्स है मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आई होप आपको एक्सप्रेशन सब समझ आने लगे हैं और चीज़ें क्लियर होने लगी हैं और किसी भी बात को लेकर कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और जब भी कोई परेशानी आती है आई होप आपको पता है कॉमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है वहाँ पर आपके सारे कंसर्ट्स आप लिख सकते हैं जब भी मैं उन कॉमेंट्स को पढ़ूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंश्योर करूँगा कि आपके उन इशूज़ को भी रिजॉल्व कर दूँ राइट चलिए अगर यहाँ पर मैं आता हूँ एफ ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्स वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास ध्यान से देखिए मैं रखता हूँ थ्री एजटिस तो थ्री एजेट इस माइनस सेवन बाई सिक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो वो हम यहाँ लिख देंगे प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू होगी सेवन इंटू माइनस सेवन बाय सिक्स तो सेवन इंटू सेवन कितना हो जाएगा माइनस फोर्टी नाइन तो इस प्लस साइन को हटा के मैं लिख देता हूँ सीधे माइनस फोर्टी नाइन और डिवाइडेड बाई हम इसे भी क्या लिख देंगे क्लास हम यहाँ पर भी सिक्स लिख देंगे और यहाँ पर सीधे मुझे क्या दिख रहा है माइनस टू अब आप बस एक छोटा सा काम कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए आपका मिनिम आ जाएगा आई होप यहाँ से आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं मतलब इट्स नॉट अ टफ थिंग आई थिंक कि अब आप इसे सॉल्व कर लें और ये जो भी वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम क्यों होगी स्टूडेंट्स क्योंकि ए पॉजिटिव है और ये एक अपवर्ड फेसिंग पैरा बोला है तो इसका आप मिनिमा ही ढूंढ पाएंगे क्योंकि मैक्सिमा तो इन्फिनिटी है वो चलता ही चला जा रहा है कर्व ऊपर तक जाता ही जा रहा है क्या आपको यह सिनियो समझ आया आई थिंक आप वर्कआउट कर पा रहे हैं कि मैं क्वाड्रेटिक में कैसे अगर उसे बिना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किए भी सोचना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ यही काम आप वैसे भी कर सकते थे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते याद है आपको लास्ट लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था जब हमने वो साइन एक्स वाले क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था वैसे भी सोच सकते हो वो अप्रोच हमेशा आपके साथ है बट आई थिंक यहाँ पर भी चीज़ें बहुत टफ नहीं है मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत टफ काम नहीं है आई थिंक और वो आप इजीली कर सकते हो बट अगर वो क्लिक नहीं कर रहा है कि सर कैसे करें बहुत कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है तो ये और आसान तरीका है अब बस ए देख लो माइनस बी ओपॉइंट टू ये निकालो बस माइनस बी ओपॉइंट टू एक्स में पास कर दो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वो मिनिमा होगा और अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा होगा जैसे सर अगर ए नेगेटिव हुआ तो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए मान लो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन किया क्लास एफ ओफ एक्स एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लेट से माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस लेट से यू नो फोर एक्स लेट से प्लस थ्री है ना ये एक एक्सप्रेशन है अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो मुझे सर ये दिख रहा है सर कि आपने जब ये क्वाड्रेटिक बनाई तो आपने ये चीज़ देखी क्या कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशनटी है वो नेगेटिव है और जैसे ही मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशियन नेगेटिव दिख रहा है तो क्या मैं प्रोडिक्ट कर सकता हूँ कि इसका पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा मतलब वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो अगर मैं एक्सिस के कंपैरिजन में देखूँ तो अब वो मुझे इसका पीक मिलेगा इसका मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमा के केस में क्या कहेंगे सर ये चलता चला जाएगा बंदा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा तो मिनिमा अब इस बार माइनस इफिनिटी और मैक्सिमा इसका कुछ है मतलब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर आउट कर पाने वाला जैसा कोई वैल्यू है और वो क्या होगा सर वो हमेशा एक्स की माइनस बी अपॉन टू ए वैल्यू पर मिलेगा मतलब जो वाई की वैल्यू होगी मैक्सिमम वो होगी एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए पर आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है तो ये इसका मैक्सिम होगा राइट तो अगर मैं निकालना चाहूँ निकालना चाहूँ क्या स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हम कहाँ निकालेंगे क्लास वो होगी एफ ऑफ क्या माइनस बी अपॉन ए पर मैं माइनस बी अपॉन ए भी निकाल लेता हूँ तो ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू इस इस पॉइंट पर वो मिनिमम होगा राइट तो एक्स की वैल्यू कहाँ मिनिमम होगी स्टूडेंट्स होगी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी क्या माइनस बी यानी माइनस फोर का माइनस दैट्स माइनस फोर और ए क्या ए माइनस टू है स्टूडेंट्स दिख रहा है ना ये क्या होता है एक्स स्क्वायर ये होता है बी एक्स और ये होता है सी तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा ए तो माइनस बी अपॉन टू ए राइट तो फोर तो फोर रहेगा आई होप हमने लास्ट बार भी टू ए ही लिया था मुझे बस वेरीफाई कर लेने दो बिल्कुल सेम है टू ए ही लिया था मुझे लगा मैंने माइनस बी अपॉन ए ले लिया है तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे माइनस बी अपॉन टू है तो माइनस यानी फोर का नेगेटिव टू ए यानी माइनस टू इंटू टू है ना ये कितना हो जाएगा माइनस टू इंटू टू तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है माइनस फोर अपॉइन माइनस फोर दिस इज प्लस वन तो एक्स की वैल्यू वन पर इसका हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम और एक्स की वैल्यू वन क्या होगी स्टूडेंट्स याद करिए एक्स की वैल्यू वन जैसे ही रखना चाह तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस टू इंटू वन आई होप आपको दिख रहा है प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स तो जाएगा फोर इंटू वन और फिर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स फिर मिलेगा प्लस थ्री है ना तो ये हो जाएगा थ्री किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लग रहा है कि सर क्या बात कर रहे हो वन पे क्या मैक्सिमम मिलेगा सर वन के बियॉन्ड मैं तो थोड़ी और बड़ी वैल्यू रख देता हूँ मुझे और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी आप रख के देख लीजिए आप वन के बियॉन्ड कुछ भी रख लो नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके मन में आ रहा है रख लो वन के बियॉन्ड आपको मैक्सिमम मिलेगा ही नहीं मतलब वन पे जो जो वैल्यू मिलेगी ना वो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर लो मतलब वन के अलावा आपका जो मन में आ रहा है वो ट्राई करो आप आंसर मैक्सिमम इससे बड़ी वैल्यू ला ही नहीं पाएंगे सोच के देख लेना चलो ऐसा चैलेंज वैलेंज नहीं कर रहा हूँ पर्सनली मत लेना बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं निकलेगा क्योंकि वो घूम के वापस नहीं जाता है तो वन वो पॉइंट है जहाँ पे वो ऑप्टिमली अपने बेस्ट पर होता है तो वन से छोटा भी लोगे या वन से बड़ा भी लोगे तो नेगेटिव मतलब उससे कम देने लगेगा तो वन पर ही वो मैक्सिमम एटेन करता है जैस तो लाइक आपकी परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ में एक आपका एक टाइम होता है जब आप अपने बेस्ट पर होते हो अपने पीक पर होते हो अब आप उससे ज़्यादा भी एफर्ट डालोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिरने लगेगी और उससे कम एफर्ट्स पे तो वैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी कम थी तो आपका एक बेस्ट जोन होता है जहाँ पे आप अपने बेस्ट पर होते हो तो वो जोन आप फिगर आउट करो मतलब लाइफ लेसेंस के अलावा मैं वापस काम की बात क्या हूँ तो काम की बात यह है कि एक्स की भी ऐसी एक वैल्यू होती है जिस पर वो अपने बेस्ट पर होता है उसके अलावा वो हमेशा मिनिमम उससे कम ही देगा आपको ये बात मैं कहना चाहूँ तो पॉइंट है अगर मैं वैल्यू निकालू तो कितनी आ रही क्लास अच्छा बाय द वे किसी को ए तो नहीं लग रहा है सर मैक्सिम है तो पॉजिटिव ही होगा ऐसा भी कुछ नहीं है सर नेगेटिव वैल्यू भी सबसे बड़ी हो सकती है मतलब उससे सारी वैल्यूज बाकी छोटी होंगी है ना ऐसा तो नहीं है ना कि मिनिमा है तो वो नेगेटिव ही होगा और मैक्सीमाय तो पॉजिटिव ही होगा ऐसा भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है राइट बस उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता आई होप यू आर गेटिंग इट तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये होगा माइनस टू य हो जाएगा प्लस फोर और ये हो जाएगा प्लस थ्री और अगर मैं इसको देखूँ तो सेवन माइनस टू कितना होता है फाइव तो इस एफ ऑफ एक्स इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइव है फाइव के बियॉन्ड ये जा ही नहीं सकता हमेशा फाइव से कम ही देगा आप ट्राई करके देख लीजिएगा मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा था पॉइंट ये था कि आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैं वो बात वो सेंस आपके अंदर डेवलप करवाना चाह रहा था अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो आज का लेक्चर अब हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे आई होप एक क्वेश्चन आपको विजिबल हैं जैसा हमारा प्रोटोकॉल है जैसा हम यूजअली करते हैं कि आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं वीडियो पॉज करके और फिर हम उसका सोल्यूशन साथ में देखते हैं तो मैं हटता हूँ आप पॉज करिए और ट्राई करिए आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की तो हम शुरुआत करते हैं हमारे एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में क्या दे रहा है क्लास वो बड़ा ही मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दे रहा है मतलब बहुत डरावने और भयानक लग सकते हैं आपको कि सर मतलब क्या नहीं है इसमें सर इनवर्स है फिर लॉग भी है और ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन भी है सर यहाँ भी सब कुछ आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया है सर कैसे सोचेंगे मतलब रेंज निकाले तो निकाले कैसे मतलब शुरुआत कहाँ से करें तो यकीन करिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा तरीके सोच पाएगा मतलब आपका ब्रेन उतने अलग अलग रास्ते खोज के रख के रखेगा है ना तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते एक्सप्लोर होंगे तो आपके पास एग्जाम में हमेशा बहुत सारे तरीके होंगे किसी क्वेश्चन को सोचने के तो कोई ना कोई तरीका क्लिक कर जाएगा और आप काम कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए है ना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए क्योंकि क्वेश्चन से ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे चलिए तो इस क्वेश्चन पर आते हैं क्लास हमारा जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन है क्या पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो है साइन इनवर्स लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स देखो मैंने कहा था जब तक ये मैंशनड ना हो तब तक मत मानना मतलब अगर ऐसा नहीं लिखा होता ना तो मैं इसको सिर्फ एक ब्रैकेट की तरह यूज करता तो पहले ये मैंशन होना ज़रूरी है कि ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है वरना आप इस एज्शन पर काम मत करिएगा कि जैसे ये ब्रैकेट दिख रहा है आप उसको जी मान लें ऐसा मत करिएगा चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं क्लास वहाँ क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है जिसे वो डिफाइन कर रहा है क्या लिख रहा है वो स्टूडेंट साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स राइट बढ़िया तो ये लिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अच्छी बात है सर इसके अलावा और क्या दे रहा है उधर है लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ठीक है सर वो एक और चीज़ दे रहा है वो क्या दे रहा है उधर है लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पता है कभी कभी चीज़ें क्लिक ना होना मतलब नहीं समझ आ रहा हो कि सर करें क्या तो जनरली कभी कभी बताए डोमेन भी हेल्प कर देती है मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि डोमेन ट्राई कर लूँ मतलब कभी कुछ ना क्लिक करें ना तो उस फंक्शन की डोमेन निकाल लेना डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल लेना जब एक्स देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है सर ये इसके अंदर आ रहा है फिर इसके अंदर आ रहा है तो एक्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है सर यहाँ इसके अंदर ही आ रहा है फिर ये आ रहा है तो शायद हो सकता है एक्स उतना सिंपल नहीं हो मतलब उतनी सारी वैल्यूज नहीं ले रहा हो जितनी लेता है तो हो सकता है एस एक्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो तो जब एक्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो शायद अगर ऐसा हो रहा हो क्योंकि एक्स बहुत सारी चीज़ों के अंदर है लॉक्स और लॉग के अंदर साइन इनवर्स या इधर साइन इनवर्स और उसके अंदर लॉग और वो भी ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन के अंदर तो शायद लॉग पे बहुत सारे यू नो बहुत सारे यू नो पांदियाँ लग रही हो बहुत लिमिटेशन आ रहे हो तो उस वजह से शायद एक्स बहुत लिमिटेड सा हो तो देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में डोमेन क्या होगी मतलब एक्स की क्या वैल्यूज होंगी शायद उसके बाद हम कुछ सोच पाएँ मतलब रेंज अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रही है तो डोमेन के थ्रू भी आप सोच सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में डोमेन के थ्रू सोचने की सोचिए स्टूडेंट्स की अगर डोमेन ही निकालनी है तो डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा याद है आपको ये मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो हम कहते थे इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की जिसमें प्लस माइनस लगाए हम इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पहले मैं इस पार्ट की डोमेन निकालता हूँ देखो इस पार्ट की डोमेन निकालने से पहले मुझे पता है आई होप मैं बहुत डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा अब चीज़ें बस आपको समझाऊंगा और समझ आनी चाहिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अगर इस पार्ट की डोमेन निकालता हूँ तो सर मुझे पता है कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर कुछ मुझे तो सर इतना पता है कि साइन इनवर्स के अंदर आप जब भी कुछ लिखते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच होती है क्या आपको याद आ रहा है साइन इनवर्स का ग्राफ हमें क्या पता है साइन इनवर्स मतलब साइन एक्स क्या होता है साइन एक्स का रेंज होता है, है माइनस वन से वन तक तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा माइनस वन से वन तक यानी साइन इनवर्स के अंदर जो आप वैल्यू पास करते हो वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच होती है मतलब सर आप ये कह रहे हो कि आपने जो लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट रीजर ऑफ एक्स पास किया है आपने जो ये पास किया है लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट रीजर ऑफ एक्स ऑब्वियसली बेस क्या है ई तो ये वैल्यू सर आप कह रहे हो माइनस वन को इंक्लूड करते हुए माइनस वन से बड़ी प्लस वन को इंक्लूड करते हुए प्लस वन से छोटी आप ये कहना चाह रहे हो बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ दूसरी बात क्या आपको याद है हमने सीखा है अगर ये बेस जो है वो वन से बड़ा है अभी फिलहाल के ही कुछ रिसेंट से लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ये बेस जो है वो वन से बड़ा है तो आप सीधे सीधे यही साइन रखते हुए इस बेस को इन पावर्स तक रेज कर सकते हो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही है अगर ये बेस वन से छोटा होता अब जीरो से वन से बीच के होता तो फिर इन साइंस को मैं इन्वर्ट कर देता रिवर्स कर देता तो मैं क्या करूँगा इस ई e को माइनस वन पावर पर रेस करूँगा ऐसा इस तरह से लॉग हट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ एक्स और यहाँ पर भी ई e को पावर वन तक रेस करूँगा आई रिपीट माई स्टेटमेंट चूँकि ये ई e है ई e की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है जो कि वन से बड़ा होता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने साइंस चेंज नहीं किया मतलब इको सीरी सीधे पावर माइनस वन और इको सीरी से पावर वन तक रेस कर दिया और लॉग हटा दिया मतलब मैंने एंटी लॉग ले लिया पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ऐसा किया तो मैंने साइन इन्वर्ट नहीं किया क्योंकि जो बेस है वो वन से बड़ा है अगर बेस जीरो से वन के बीच हो तो ये बात प्लीज़ याद रखना है पर आप गलती कर देते हो इसलिए मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाते मतलब ये साइन रिवर्स हो जाते ये बात याद रखना है स्टूडेंट्स है ना सर अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि सर जो ग्रेटेस्ट टीजर ऑफ एक्स है मैं यही पार्ट थोड़ा सा इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ क्लास इस वाले सेक्शन में आप ये कह रहे हो सर कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो है वन अपॉन ई से बड़ा क्योंकि ई की पार माइनस वन की होगी वन अपॉन ई और ये कितना होगा ई मैं एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दे रहा हूँ ई की ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग और ये कितना होता है वन अपॉन टू पॉइंट समथिंग अब सोचो क्लास वन अपॉन टू होता है जीरो पॉइंट फाइव तो वन अपॉन्ट टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट समथिंग क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव से थोड़ा और छोटा तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक अप्रॉक्सीमटेड इसकी एक अप्रोसीमेटेड वैल्यू मैं एक्जैक्टली exactly ये वैल्यू नहीं कह रहा हूँ मैं एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ तो अप्रॉसिमेटली एक्सप्रेशन कैसे देखेगा ये एक्सप्रेशन का एक अप्रक्सीमेटेड वर्जन में लिख रहा हूँ ना मैं एक्जैक्टली exactly नहीं लिख रहा हूँ कि ऐसा होगा बट ये कुछ ऐसा होगा ये होगा जैसे जीरो पॉइंट फोर से बड़ा ध्यान से सुनिएगा और टू पॉइंट लेट से सेवन के आसपास कुछ समथिंग घबराना मत मैं कहना चाह रहा हूँ कि ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग कुछ होती है तो मान लेते हैं वो टू पॉइंट समथिंग कुछ है मैं मैं टू पॉइंट थ्री लिखूँ टू पॉइंट फोर लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नेजर फंक्शन है और ये जीरो पॉइंट फाइव से थोड़ा छोटा होगा तो जीरो पॉइंट फोर लिख दो जीरो पॉइंट थ्री लिख लू कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नेजर फंशन है एक इंटीजर है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक्स है वो जीरो पॉइंट फाइव से बड़ा है अब मुझे तो ये पता है सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी तो ये जीरो पॉइंट फोर तो हो नहीं सकती तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी इसकी वैल्यू या तो वन होगी या टू होगी क्योंकि टू पॉइंट सेवन भी हो नहीं सकता है मतलब जीरो पॉइंट फोर और टू पॉइंट सेवन के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आते हैं सर एक वन आता है और एक टू आता है यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा वन और टू होगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन और टू कब होगी सर बड़ी आसान सी बात है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन और टू तब होगी जब एक्स जो है जब एक्स जो है वो वन या वन से बड़ा होगा और ध्यान से सुनिएगा थ्री से छोटा होगा क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कह रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर जो एक्स है आपका वो टू पॉइंट सेवन तक जा सकता है मैक्सिमम खैर एनी वे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो तो टू तक ही जाएगा क्योंकि टू पॉइंट सेवन के बाद अगला इंटीजर आता है थ्री हमको वहां तक जाना तो अलाउड ही नहीं है लेकिन सर अगर मैं एक्स को वन से थ्री के बीच रखूँ अगर मैं एक्स को वन से थ्री के बीच रखूँ तो वन की वैल्यू पर ये वन का ग्रेट इजर फंक्शन जीरो पॉइंट फोर से बढ़ा होगा वन पॉइंट फाइव का भी ग्रेट इंजर वन जीरो पॉइंट फोर से बढ़ा होगा 2.8 का भी 2.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा जो कि 2.7 से छोटा होगा तो मैं अभी तक ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर x की जो वैल्यू है वो वन से थ्री के बीच में होगी इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग थ्री मैंने यहाँ तक कुछ ऐसा सोचा ठीक है सर अच्छी बात है अगर आपने ऐसा कुछ सोचा आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी या डाउट नहीं है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको रिजॉल्व हैं चलिए अगर यहाँ तक समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब मैं इस पार्ट का एक्सप्रेशन सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ सर अगर मैं यहाँ से सोचू तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स बड़ी आसान सी बात है और बड़ी मजेदार सी बात है वो क्या कह रहा है लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स सर मुझे साइन इनवर्स ऑफ सॉरी साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स सर इस बारे में बाद में, में, में बात करेंगे पहले इस बारे में सोचते हैं कि आपको याद है लॉग एक्स स्टूडेंट्स लॉग एक्स लॉग एक्स कर्फ हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पेक्स एक्सिस्ट करता है उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वो हमेशा x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पर डिफाइंड होता है लॉग x यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ x मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि लॉग के अंदर सर आप जो वैल्यू पास कर रहे हो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ x वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब उसका ज़ीरो होना तक अलाउड नहीं है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब आप कह रहे हो सर साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ x हमेशा ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ से अब क्या सोचना होगा क्या वर्कआउट करना होगा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स साइन इन्वर्स ऑफ टू बी बोर ऑनस्ट ग्रेट इन जीरो एक्स वो हमेशा जीरो से बढ़ाओ तो मैं क्या वैल्यू लूँगा सोच के बताओ क्लास क्या मैं एक और बात फाइनली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि साइन इन्वर्स किसी का भी लें सर साइन इन्वर्स किसी का भी लें वो हमेशा क्या होता है सर वो हमेशा आपको याद होगा यहीं डिस्कस किया था साइन इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू पास करती है वो क्या होती है वो वैल्यू होती है माइनस वन से वन तक तो किसी भी चीज़ का अगर आप साइन इन्वर्स लें किसी भी चीज़ का आप साइन इन्वर्स लें तो वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू होता है मैं याद दिलाता हूँ क्लास ग्राफ के थ्रू आप सोचिए साइन इन्वर्स का ग्राफ याद करो स्टूडेंट्स वो कैसा होता है कुछ ऐसा सा होता है मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता होगा बट कुछ ऐसा सा होता है जहाँ पे ये क्या होता है माइनस पाई बाई टू और ये होता है पाई बाई टू याद करो नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट मोटा मोटा ऐसा जीरो पे जीरो माइनस पाई बाई टू हो जाता है माइनस वन और पाई बाई टू हो जाता है वन या उल्टा मैं कहना चाह रहा हूँ टू बी मोर ऑनेस्ट साइन इन्वर्स वन होता है फाई बाई टू साइन इन्वर्स माइनस वन होता है माइनस फाइव बाई टू और साइन इन्वर्स जीरो होता है जीरो तो मैं कहना चाह रहा हूँ साइन इन्वर्स के अंदर जो आप वैल्यूज पास करते हैं वो तो माइनस वन से वन तक होती हैं लेकिन साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है सर वो होता है माइनस फाइव बाई टू से फाई बाय टू तक यानी बात समझो क्लास यहाँ पे उसने पहली बात तो ये कह दी कि साइन इनवर्स आपका होता होगा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू तक बट हमारा तो सर वैल्यू जीरो से बड़ी रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि वो लॉग के अंदर है पर सर अगर मैं कहना चाहूँगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो सर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लेना चाहते हो तो पाई बाई टू लेना पाई बाई टू से ज़्यादा ले मत लेना क्योंकि आपने तो बोल दिया साइन इनवर्स एक ज़ीरो से बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है लेकिन साइन इन्वर्स कुछ भी ले लो सर वो 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 पाई बाई टू से बड़ा थोड़ी होता है वो पाई बाई टू से तो छोटा ही होगा ना क्या आपको ये बात समझ आ रही है थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं क्लास में तीनों तरफ साइन लेता हूँ तो मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दे रहा हूँ पहले तो पहले मैं क्या लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मैं इस तरफ जीरो लिख दे रहा हूँ और इस तरफ पाई बाई टू लिख दे रहा हूँ आई होप ये बात आपको समझ आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब अगर मैं तीनों तरफ साइन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो है ना ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स तो ये बचेगा सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और ये बचेगा साइन ऑफ पाई बाई टू क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं और ऑब्वियसली रियली सॉरी यहां पर पाई बाई टू इक्वल इंक्लूडेड है क्योंकि हाँ पाई बाई टू तक जाता है वो पाई बाय टू एग्जिस्ट करता है ग्राफ पर है ना तो ये कहानी कुछ ऐसी है साइन so, जीरो कितना होता है कला साइन जीरो जीरो होता है ग्रेटेस्ट इटिजर ऑफ एक्स ग्रेट इंडर ऑफ एक्स ही रहेगा और साइन पाए बाई टू कितना होता है वन तो इसने तो एक और बात तक हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने तो कहा सर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो तो होगा नहीं जीरो से बड़ा होगा जीरो से बड़ा अगला ग्रेट नजर फंक्शन में क्या होता है इंटीजर वन और हाँ उसने बोला वन होगा तो टू तो बी मोर ऑनेस्ट टू तो बी मोर प्रोसाइस टू तो बी वेरी वेरी वो आपको ये कह दे रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका सिर्फ वन होगा मतलब इन भाई साहब ने तो फिर भी आपको अलाउ कर दिया था यहाँ तक कि आपका ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो है वो जीरो से टू तक होता है मतलब इसी बात को मैं चाहता तो ऐसे लिख देता इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय चाहता तो ऐसे लिख देता ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है एक इंटीजर और एक इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होगा एक इंटीजर इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो पॉइंट फोर तो वैसे भी नहीं हो पाएगी ना जीरो पॉइंट फोर से बड़ी होगी तो मैं कहूँगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वन ग्रेटेस्ट स्टीचर की बात कर रहा हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी क्लासेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी टू क्योंकि टू पॉइंट सेवन के बाद अगला इंटीजर होता है थ्री तो वहाँ तक तो हम वैसे नहीं जा रहे ना तो ये इनके बीच लाई करेगा लेकिन जब वो वाला पार्ट सॉल्व किया हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो इस वाले पार्ट ने बोला कि सर आपका ग्रेट इंटीजर एक जीरो और से वन के बीच ही होगा आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है सर वो इस वाले सिनेरियो से जीरो से वन के बीच ही होगा और जीरो को भी इंक्लूड नहीं कर सकते आप सिर्फ वन को इंक्लूड कर सकते हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट नीचर ऑफ़ एक्स एक इंटीजर वैल्यू देगा तो अगर यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्टर ऑफ एक्स की वैल्यू देखूँ ग्रेटेस्ट नीचर ऑफ़ एक्स की वैल्यू देखो तो दो ही वैल्यू आएंगी क्या दो वैल्यूज़ आएंगी क्लास वो दो वैल्यू होंगी वन एंड टू और सर यहाँ पे देखूँ तो जीरो तो वैसे ही नहीं है सिर्फ वन है तो इस तरफ वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डीजर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या होगी वन और अगर क्योंकि ये दोनों सम थे एक एक्सप्रेशन ये था और एक ये के था और अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालू फाइनली तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहता है एक तरफ कह रहा है वो ग्रेटेस्ट इंजर एक्स की वैल्यू है वन एंड टू और एक तरफ कह रहा है सिर्फ वन तो फाइनली जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा वन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसके इक्वल वाले होगा वन के मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी कौन सी वन और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमने रेंज निकाल ली जी सर हमने रेंज निकाल ली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर ग्रेटेस्ट नीचर ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है जो कि है वन और अगर ऐसा कुछ है तो सोच के देखो क्लास इस क्वेश्चन में बस इसकी जगह वन और इसकी जगह वन रख दो वही इकलौता एक वैल्यू उसका रेंज है मतलब एक्सप्रेशन लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है बट यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आएगी कि कौन वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की एक ही वैल्यू आएगी कौन वन और जैसे ही अच्छा एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है कहाँ से कहाँ तक वन से लेके वन पॉइंट नाइन 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 तक मतलब वन से लेके टू तक के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग टू मतलब एक्स इतनी सारी वैल्यूज ले सकता है वन से टू के बीच की सारी वैल्यू क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या बनाना है वन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक ही वैल्यू लेता है क्या वन तो बस ये फंक्शन ही सॉर्ट आउट हो गया ना इसकी रेंज एक ही होने वाली एक वैल्यू कौन सी वैल्यू रख के देखते हैं क्लास वो वैल्यू क्या होगी सोच के देखो जैसे मैंने यहाँ पे रख के देखा क्या रख के देखा हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वन तो इस तरफ क्या बन जा रहा है क्लास वो बन जा रहा है मैं रेंज की बात कर रहा हूँ ना रेंज मतलब y की फाइनली वैल्यू क्या आएगी y की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या होगी तो जो y की फाइनल वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी ध्यान से देखिएगा ये बिलोंग भी करने की जरूरत नहीं इक्वल टू ही लिख देंगे पहला एक्सप्रेशन क्या है क्लास साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ और ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एक्स रख दूंगा क्लास वन क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिमिलरली क्या आप सोच सकते हो यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन क्या अब आप मुझे फाइनली बता सकते हो कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या फाइनल आएगा जल्दी से सोच के बताइए आई होप वीडियो पॉज करके आपने फाइनली इसकी रेंज निकालने की कोशिश की अगर नहीं निकला तो जल्दी से समझ लीजिए स्टूडेंट्स लॉग वन क्या होता है सर लॉग वन हमेशा जीरो होता है तो लॉग वन जीरो मतलब साइन इनवर्स जीरो तो यहां पे आप लिख रहे हो साइन इनवर्स ऑफ जीरो अच्छी बात है सर और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं सर साइन इनवर्स वन कितना होता है साइन इनवर्स वन याद करिए क्लास अभी जस्ट हमने ग्राफ देखा साइन इनवर्स वन साइन इनवर्स ऑफ वन कितना होता है पाई बाई टू तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा सर पाई बाई टू और अगर साइन इनवर्स वन पाई बाय टू है तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो क्लास आप यहाँ पे लिख रहे हो लॉग ऑफ पाई बाई टू सर साइन इनवर्स जीरो कितना होता है फिर से ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स वैसे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए साइन इनवर्स जीरो साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या जाएगा जीरो

पर उस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे पता चला कि वन से टू के बीच का ग्रेटेस्ट जीयर एक्स क्या होता है वन तो जैसी एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट जोर एक्स की वैल्यू वन आपने ट्राई की तो ये वन और ये वन उससे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है तो रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी वो क्या होगी लॉक ऑफ बाई बाय टू मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है ना उस पूरे एक्सप्रेशन का अगर डोमेन कोई पूछे तो वो होगा वन से टू इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग टू और उसका जो रेंज होगा वो होगा लॉग पाई बाय टू दैट सेट सिर्फ एक वैल्यू मतलब कोई इंटरवल भी नहीं है सिर्फ एक वैल्यू है क्या आपको ये बात समझ आ रही है आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आए यहाँ पर मैंने आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करी कि अगर डायरेक्टली रेंज क्लिक ना करे तो पहले डोमेन निकालो और फिर डोमेन के थ्रू सोचो कि रेंज कैसे हो सकती है ये भी तरीका आपको हमेशा मदद करेगा सोचने में रेंज के क्वेश्चन की, की। चलिए अगर ये समझ आए तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लास वहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स एस प्लस कॉस इन्वर्स एस एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाऊंगा क्लास या रादर अभी पहले बता दे रहा हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कहाँ से आता है मैं उसका ओरिजिन थोड़ा सा आपको दे देता हूँ आई होप आपको पता है और नहीं भी पता है तो हम ये पढ़ेंगे चिंता मत करना कि सर साइन पाई बाई टू माइनस होता है कॉस् ठीठा यहाँ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पड़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे आप याद करो साइन थर्टी कॉस सिक्सटी के इक्वल साइन नाइनटी क्या होता है कॉस ज़ीरो के इक्वल साइन फॉर्टी फाइव किसके इक्वल होता है कॉस फॉर्टी फाइव के तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं मतलब इसका जो एंगल है इसका नाइन्टी माइनस थ्री टाइस इक्वल होता है आप हमेशा इधर के राइट एंगल ट्रो है ना तो इधर परपेंडिकुलर तो इधर बेस होगा तो हमेशा इसके शिफ्ट करते रहेंगे है ना चलो काम की बात क्या है सर काम की बात यह है कि इससे एक रिजल्ट आता है इनवर्स फंक्शन में एक रिज़ल्ट आता है अभी घबराना मत बस इनवर्स फंक्शन में एक रिजल्ट आता है ये कि सर आप याद रखिएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स या साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस थीटा नहीं होगा वो एक्स ही होगा क्योंकि अभी ये वैल्यू है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा पाई बाई टू के इक्वल होता है अब हमेशा याद रखिए इसका और इसका अगर सेम वैल्यू है तो हमेशा पाई बाई टू सम करेगी ऐसे सोचो स्टूडेंट्स जरा देखो हमेशा एक राइट एंगल ट्राएंगल होता है तो सोचो ना अगर ये नाइन्टी डिग्री है अगर ये पाई बाई टू है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा ये सर नाइन्टी माइनस ठीठा ही होगा आपको समझ आ रहा है क्योंकि तीनों एंगल का सम वन एटी डिग्री है बस इन सब तरीक़ों से आप ये प्रॉपर्टी ये आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो मेरा मतलब है कहने का कि बस इस रिजल्ट को अभी फिलहाल याद रखिए मैं जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे बट फिलहाल के लिए इस रिजल्ट को याद रखिए क्योंकि ऐसे कुछ रिजल्ट भी रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे काम आते हैं फिलहाल इसके अलावा एक और रिजल्ट आप याद रखिए क्या आपको टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है क्लास टेन इनवर्स एक्स से पहले जल्दी से याद करिए टेन एक्स का ग्राफ याद करो स्टूडेंट्स मैं उसका मेजर पार्ट बना दे रहा हूँ पूरा नहीं वो हमारा कुछ ऐसा और ऐसा जा रहा होता है कि आपको याद है वो ऑब्वियसली पाई बाई टू पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है और आई होप आपको याद है कि वो माइनस फाइव बाई टू पर माइनस इंफिनटी को अप्रोच कर रहा होता है आई होप आपको ये सारी बातें याद है लेकिन अगर इसी तर्ज पर मैं टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ आई होप आपको याद होगा मतलब वो ऑब्वियसली रिपीट होता है मतलब इसके रेप्लीकेशन होते हैं और इधर भी बनता चला जाता है सेम पीरियोडिक फंक्शन सेम इधर भी बनता चला जाता है बट मैं अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में इसको समझने की कोशिश करूं तो जब मैं इसका टेन इनवर्स एक्स बनाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं दो चीज़ों पर देखता हूं एक तो मैं कहाँ देखता हूँ फाई बाई टू पर है ना मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं एक अप्रॉक्सीमेट सा ग्राफ बना रहा हूँ और एक हम इसको तो कहाँ देखते हैं माइनस पाई बाई टू तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि पाई बाई टू पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो वो कुछ ऐसा सा जा रहा होता है और माइनस पाई बाई टू पर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो वो कुछ ऐसा जा रहा होता है है ना तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें मैं याद दिला रहा हूँ क्यों क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब बातें अप्लाई होंगी तो क्वेश्चन क्या है सर सर क्वेश्चन है कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स और जैसे ही कुछ ऐसा दिखे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है उन्होंने उन्होंने लिख रखा है ध्यान से सुनेंगे एफ ऑफ एक्स जो आपका डिफाइंड है वो लिखा है साइन इनवर्स एक्स है ना प्लस यहाँ पे जो टेन इन्वर्स एक्स लिखा है उसको मैं बाद में लिख लेता हूँ पहले मैं कॉस इन्वर्स एक्स लिख लेता लिख हूँ और होप आपको क्लियर हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स मतलब बाद में पहले लिखने का कोई फर्क ही नहीं है वो तो आपको दिखना चाहिए प्लस ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स है ना अब एक बात समझो स्टूडेंट्स कि क्या हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है क्या आपको याद है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स पाई बाई टू के और जैसे ही वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल होगी क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू अब सर बस आप मुझे टेन इनवर्स एक्स की रेंज बता दो वही वैल्यू में पाई बाई टू एड कर देंगे तो फाइनली आपके एक्सप्रेशन की रेंज हो जाएगी सो टेन इनवर्स एक्स की रेंज निकालने की कोशिश करने सर टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है तो so, देख लेते हैं टेन इन्वर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स आपको याद है ना रेंज मतलब क्या वाई एक्सिस पर मौजूद वैल्यूज़ और वाई एक्स पर टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू से फाइव बाई टू तक जाता है लेकिन क्या माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड होते हैं नहीं क्योंकि माइनस पाई बाई टू पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और पाई बाई माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और पाई बाई टू पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो मैं कहूँगा मैं यहाँ से इंक्लूड करूँगा कि सर टेन इन्वर्स एक्स के बारे में अगर आप बात कर रहे थे आपका एक्सप्रेशन है तो सर आप बेशक ये कह सकते हो कि टेन इनवर्स एक्स जो है टेन इन्वर्स एक्स जो है सर वो जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से तो बड़ा होता है है ना और पाई बाई टू से छोटा होता है टेन एक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्लास हम टेन इन्वर्स एक्स की बात कर रहे हैं राइट और दूसरी बात कि अगर आप टेन इन्वर्स एक्स में कोई वैल्यू ऐड कर दे रहे हो तो अगर मैं इस इन में पाए बाई टू ऐड कर रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ भी पाई बाई टू ऐड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स और क्या मैं यहाँ भी पाई बाई टू ऐड कर सकता हूँ और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो क्या आपको दिख रहा है पाई बाय टू से पाई बाई टू कैंसिल तो फाइनली मुझे जो स्टेप मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है टेन इनवर्स एक्स प्लस पाए बाई टू सर आपका जो एक्सप्रेशन है कौन सा एक्सप्रेशन टेन इन वर्स एक्स प्लस पाई बाय टू सर ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बाय द वे दोनों तरफ मैंने इक्वल साइन यूज नहीं किया क्योंकि इक्वल इंक्लूड नहीं है आई होप यू आर गेटिंग इट है ना क्योंकि वहाँ पे वो इन्फिनिटी और माइनस इंफिनिटी होता है तो सर ये जो होगा पाई बाय टू से पाई बाई टू कैंसिल क्योंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी जीरो और यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड देखिए क्लास पाई बाई टू प्लस पाई बाय टू इस पाए तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाए तो क्या आपको समझ आया इस फंक्शन की रेंज हमने कैसे निकाली यहाँ पर हमने एक ट्रिग्रोमैट्रिक की आइडेंटिटी यूज़ की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स इन्वर्स एक्स फाई बाई टू होता है तो बस अब हमने टेन इनवर्स एक्स की रेंज को फिगर आउट किया और किसी भी फंक्शन की रेंज आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो अगर उस फंक्शन के ग्राफ्स आपको पता है इसीलिए मैंने ग्राफ्स पढ़ाते वक्त उस बात पर बहुत हिम्फेसाइज़ किया था कि इन ग्राफ्स को ध्यान से समझो क्योंकि इन ग्राफ्स की हेल्प से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली इमेजिन कर पाओगे तो हमेशा याद रखिए कि ग्राफ्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे तो जो स्टैंडर्ड मैंने ग्राफ्स सिखाए हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं उनकी डोमेन और रेंज कैसे देखी जाती है ये सारी बातें याद रखिएगा गए बहुत काम की बातें हैं चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई दोनों क्वेश्चंस पे क्लैरिटी है स्टूडेंट्स दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे रेंज एक ही वैल्यू आ रही थी क्योंकि ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ एक्स ए की वैल्यू ले रहा था ऑल दो एक्स वन से टू तक सारी वैल्यूज ले रहा था इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग टू बट ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ एक्स ही वन ही हो जा रहा था तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है तो रेंज में बस एक ही वैल्यू आ रही है कभी कभी होगा कि डोमेन में कुछ आएगा ही नहीं जब डोमेन में कुछ नहीं रख पाओगे तो रेंज ही कुछ नहीं आएगी तो हो सकता है रेंज फाई हो मतलब तो हो सकता है कोई फंक्शन एक्स की किसी वैल्यू के लिए एक्जिस्ट ही ना कर तो आपने वो फंक्शन ही कुछ तो भी डिफाइन कर दिया है ना तो ऐसे भी केसेस होंगे मतलब कभी कभी रेंज या डोमेन फाइव हो जाए ऐसा भी पॉसिबल है है ना और उसी बात पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक आइडेंटिटी कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स फाइव बाई टू होता है और उसमें टेन इनवर्स एक्स की रेंज ऐड कर दी और फाइनली बात बन गई तो इस तरीकों से भी आप सोच सकते हैं चीजों को मैं बस इन सारे तरीकों के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेंज निकालने के लिए अलग अलग ये तरीके हैं अलग अलग मैथ्स हैं अब इन सारी मैथ्स को ब्रेन में रखिए इन सारी मैथ्ड्स को याद रखिए क्योंकि ये सारी मैथ्ड्स ही आपको एग्जाम में काम आने वाली हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्लास और कुछ और मेथड्स में हम और कमांड डेवलप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जी हाँ है ना तो से देखते हैं क्लास यहाँ पे क्या सोचा जा सकता है सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस वन अब देखो क्वाड्रेटिक भी आ गया इन्वर्स भी आ गया तो कैसे सोचेंगे वो देखना बस घबराना मत देखो पहले तो सर सेक इन्वर्स पर बात कर लेते हैं सेक इन्वर्स फंक्शन कैसा बनता है सर मुझे याद है कि पहले तो मैं कॉसिक्स याद कर लेता हूँ सर मुझे याद है कि कॉसैक्स जो होता है उसका रेसिप्रोकल सेकेक्स होता है तो सर कॉसेक्स का रेसिप्रोकल होता है सेकेक्स सर इसके थ्रू आप कहना क्या चाह रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकेक्स का ग्राफ कैसा होता होगा याद करो ये अगर माइनस वन से वन होता है तो ये हमेशा माइनस वन से छोटा और प्लस वन से बड़ा होगा और जब जब ये जीरो होगा तब तक तो ये नॉट डिफाइंड होगा याद आ रही हैं बातें तो मैं एक मोटा मोटा आपके सामने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो सर क्योंकि सर ऐसा करने से आपका फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा आपको दिखने लगेंगी चीज़ें और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ आएगा तो क्या आपको याद है सेकंड इनवर्स एक्स के ग्राफ में पहली बात तो वही जैसे कॉस इनवर्स एक्स जीरो से पाई तक होता है हम सेकंड इनवर्स एक्स को भी जीरो से पाई तक ही रखते हैं तो सेकंड इनवर्स एक्स में भी हम चीज़ें चलाते हैं जीरो से पाई तक है ना लेकिन ज़ीरो से पाई तक चलाने से पहले हमको ये पता है कि कॉस नाइन्टी ज़ीरो होता है तो सेक नाइन्टी डिफाइंड नहीं रहेगा मतलब जो सेक नाइन्टी होता है सेक जो नाइन्टी होगा यानी सेक जो पाई बाई टू पर होगा वो डिफाइंड नहीं होगा और हमको एक और बात पता है स्टूडेंट्स कि कॉस पाई जो होता है वो माइनस वन होता है तो सेक पाई भी माइनस वन होगा यानी सेक इनवर्स माइनस वन पाए हो जाएगा मतलब एक पॉइंट तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स और एक वैल्यू हमें पता है कि कॉस जीरो जो होता है वो वन होता है तो सेक जीरो भी वन होगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है यानी सेक इनवर्स वन जो होगा वो जीरो होगा आई होप आपको बातें समझ आई मतलब जो पॉइंट्स मिलेंगे वो जो मिलेंगे एक तो ये पॉइंट एक ये पॉइंट तो ये वन से जाता है पाई बाई टू तक लेकिन पाई बाई टू को अप्रोच नहीं कर पाता है क्योंकि पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड होता है सिमिलरली यहाँ से चलता है और ये यहाँ से गिरता है लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर पाता है क्योंकि वो पाई बाई टू मतलब माइनस इन्फिनिटी वो पाई बाई टू को अप्रोच करता है और इस तरह वो प्लस इन्फिनिटी पे पाई बाई टू को अप्रोच करेगा क्योंकि पाई बाई टू पर वो डिफाइंड नहीं है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता है मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा सा ही ये ग्राफ बनता है है ना कि ग्राफ क्यों बताया गया आपको ये बातें बताने का मतलब क्या है ये बातें बताने के पीछे रीजन है कि सर अगर आप सेक इन्वर्स की बात करें अगर आप सेक इन्वर्स एक्स की बात करें तो रेंज की अगर आप बात करें तो सेक इन्वर्स एक्स जो है सर सेक इन्वर्स जो एक्स एज अ फंक्शन है तो रेंज क्या होती है सर वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज तो आप वो कहते हो सर कि सेक इन्वर्स एक्स हमेशा डिफाइंड होता है y पर कहाँ से कहाँ तक जीरो से पाई तक तो आप कह देते हो कि सेक इन्वर्स x हमेशा अगर मैं से कहूँ y तो y हमेशा एग्जिस्ट करता है सर जीरो से पाई तक इंक्लूडिंग जीरो एंड पाई बोथ लेकिन सर बस पाई बाय टू पर प्रॉब्लम करता है इसलिए पाई बाई टू को हम स्क्रीन से हटा देते हैं सर इसके डोमेन के बारे में क्या ख्याल है मैं डोमेन पे आज थोड़ा सा ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ सर इसकी डोमेन क्या होगी सर अगर आप एक्सिस पे रीड करो तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक ग्राफ एग्जिस्ट करता है सर प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी तक भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है लेकिन माइनस वन से वन के बीच ग्राफ नहीं होता है बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बड़ी खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेक इनवर्स एक्स का जब आप ग्राफ देखना चाह रहे थे तो एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं सर वो होती हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन माइनस वन को आप इंक्लूड करते हैं और, और ये होती है वन से इन्फिनिटी जहाँ पर आप वन को भी इंक्लूड करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स इस बात को याद रखेगा और इस बात को याद रख के क्या मैं फाइनली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता हूँ मैंने आपको जो भी जरूरी चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैं हैं वो दे दी हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे क्या आपने सोचा इन सारी चीज़ों के थ्रू मैं आपको क्या हिंट देना चाह रहा हूँ फाइनली ये जो सारी हमारी इंफॉर्मेशन है इस बेसिस पे इस रिजल्ट को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स ध्यान से देखेगा क्वेश्चन है सेक इनवर्स है ना तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है सेक इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर एक्सप्रेशन क्या पास्ट है एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अच्छी बात है सर इसको भी सोच लेते हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है ना तो ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है सर मुझे जो कहानी पता है उसके बेसिस पर और इसके बेसिस पर फाइनल एक कॉमन रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ आ रहा है सर इन सबसे पहले वापस वही बात हमने अक्सर देखा है कि डोमेन के थ्रू रेंज की काफ़ी हेल्प मिल जाती है तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसकी डोमेन देखने की सेक इनवर्स की नहीं हम इसकी डोमेन देखेंगे कि इस बारे में क्या ख्याल है तो सेक इनवर्स ऑफ इसकी डोमेन यानी इस एक्सप्रेशन की रेंज निकाल रहा हूँ मैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मतलब मुझे तो पता है सेक इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पास करते हैं आपको याद है ना हमने जस्ट अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि सेक इनवर्स के अंदर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी बट डेफिनेटली सर मैं ये पास करूंगा और मैं ये पास करके देखता तो मैं ये कह देता सर कि सर अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी आप रख रहे हो तो आपके सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से पाए एक्सक्लूडिंग पाए बाय टू इंक्लूडिंग ज़ीरो और पाए दोनों लेकिन सर क्या सच में जब आप यहाँ ट्राई कर रहे हो तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा क्या सच में माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी तक है सर ऐसा होता तो मैं ऐसा कहता ना पर मुझे ये भी तो चेक करना है कि क्या हमारा ये जो वैल्यू है ये भी सब है या नहीं मतलब ग्राफ सच में यहां से यहां तक है भी या नहीं क्योंकि सर अब सिर्फ सेक इनवर्स एक्स नहीं है अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस, प्लस वन है आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं अगर सिर्फ सेक इनवर्स एक्स होता तो मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे कह देता कि जो रेंज है वो जीरो से पाए है एक्सक्लूडिंग पाए बाय टू लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है सर कि सर आपने इस वाले एक्सप्रेशन को देखा यह सेकंड वर्स एक्स नहीं है ये है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और ये जैसे ही क्वाड्रेटिक टिक देखी तो आपको क्लिक हुआ कि इसमें मैक्सिमा तो शायद बहुत जाएगा लेकिन मिनिमा कहीं रुक जाएगा मतलब वो माइनस इन्फिनिटी तक जाए मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड हो बीच में ऐसा गैप लेकर ऐसा जरूरी नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसी बात पर आता बताऊँ बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट प्रॉब्लम है सर कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन की रेंज निकालते हैं इस क्वेश्चन को भूल के हम इसके बारे में काम करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को मैं वर्कआउट कर रहा हूँ है ना तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे कंसर्न है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अगेन क्या आपको याद है दोनों तरीके या तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या फिर माइनस बी अपॉइंट टू ए वाली टेक्निक चलो पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बता देता हूँ और फिर फाइनली माइनस बी अपॉइंट टू वे से देख लेंगे पहली चीज़ अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो कैसे सोचेंगे क्लास जल्दी से देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा तो एक्स स्क्वायर है फिर मैं बनाता हूँ टू ए बी तो टू ए बी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे टू चाहिए ए हो जाएगा एक्स और यहाँ पे एक्स के साथ थ्री दिख रहा है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ थ्री बाई टू क्योंकि मैंने यहाँ पे टू मल्टीप्लाई किया मतलब ये थ्री एक्स को थ्री एक्स ही रखा बस टू से टू कैंसिल हो जाएगा प्लस बी अब देखो क्लास बी क्या है ये है टू ये है ए और यह है भी तो बी कितना है क्लास थ्री बाई टू तो मुझे थ्री बाई टू का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और अगर सर आपने थ्री बाई टू का स्क्वायर ऐड किया तो क्या आपको थ्री बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा बेशक मुझे थ्री बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा अपार्ट फ्रॉम दैट येस यहाँ पर एक और चीज़ थी क्या वन तो इस तरीके से भी आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो यही जो एक्सप्रेशन है इसको ये तरीके से भी लिख सकते हो ऐसा क्यों लिखा क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो मैं इसको क्या लिख लूँगा क्लास मैं इसको लिख लूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना ये हमारा पूरा स्क्वायर हो जा रहा है और अलावा क्या बच रहा है ये हो जा रहा है नाइन बाई फोर और ये हो जा रहा है वन में से सब्ट्रैक्ट तो वन माइनस नाइन बाई फोर यानी नाइन माइनस फोर बाई फोर आपको समझ आ रहा है तो ये जाएगा फाइव बाई फाइग फोर यानी यहाँ पे जो अगली वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है फाइव बाई फोर आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ अब मैं ये कह रहा हूँ वापस एक बात कि एक परफेक्ट स्क्वायर है इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी सर एक्स को बढ़ाते जाओ आपको मैक्सिमम मिल जाएगा क्योंकि एक्स प्लस थ्री बाई टू और बड़ा होता जाएगा सर एक्स को बहुत कम करते जाओ नेगेटिवली बहुत छोटा करते जाओ तो भी एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर भले ही नेगेटिव वैल्यू बट इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ता ही चला जाएगा मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा सर so, एक्स को जितना बड़ा रखते जाओगे एक्स को जितना छोटा रखते जाओगे ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी तो ये माइन इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि प्लस फाइव बाई फोर ऐड कर दो या कर दो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, सो पॉइंट ये है कि इंक्रीजिंग करते जाओगे तो इन्फिनिटी तक ये जाएगा लेकिन छोटे से छोटा वैल्यू क्या होगा सर इस एक्सप्रेशन का मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा इस एक्सप्रेशन का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा जब x माइनस थ्री बाई टू होगा क्योंकि जैसे ही x माइनस थ्री बाई टू होगा माइनस थ्री बाय टू से थ्री बाई टू कैंसिल ये जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो प्लस फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर यानी इस एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन का मिनिमा जो होगा वो कितना होगा फाइव बाई फोर आई होप आपको ये बात समझ आ रही है इस प्रश्न का जो मिनिमा होगा वो होगा फाइव बाई फोर इसी बात को क्या हम हमारे तरीके से निकाल सकते थे सर एक तरीका ये होता है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसमें ए की वैल्यू वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा मतलब इसमें जो मिनिमा होगा वो मुझे कुछ माइनस बी अपॉन टू ए पर मिल जाएगा आई होप आपको ये बात समझ आ रही है अगर माइनस बी अपॉन टू ए पर मुझे इसका मिनिमा मिलेगा सर अगर माइनस बी अपॉन टू ए पर इसका मिनिमा मिलेगा मतलब वाई एक्सिस पे जो ये वैल्यू होगी एक्स एक्सिस नहीं है ना तो एफ ऑफ माइनस बी अपॉन्ट टू ए क्या होगा आपका मिनिमा आई होप ये बात आपको समझ आई तो मैं माइनस बी अपॉन्ट टू ए से क्या समझता हूँ सर ये होता है बी और ये होता है ए जो कि कितना है वन तो माइनस बी अपॉन टू ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन्ट टू ए हो जाएगा बी का नेगेटिव यानी माइनस थ्री और टू ए कितना तो ए की वैल्यू कितनी है वन तो ये हो जाएगा टू तो सर माइनस थ्री बाई टू पर इस एक्सप्रेशन में मतलब अगर आप अगर आप इसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स तो आप निकाल लीजिए एफ ऑफ माइनस थ्री बाई टू सर निकालिए जरा और देखिए बताइए कितना आ so, रहा है सो माइनस थ्री बाई टू रखा तो माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्लास नाइन बाई फोर आई होप आपको वैसा कुछ दिख रहा है फिर माइनस थ्री ये प्लस थ्री है तो माइनस थ्री रखा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई टू और ये कितना हो जा रहा है प्लस वन क्या आप देख रहे हैं ये चीज़ें भी वहीं जा रही हैं वहीं लीड कर रही हैं जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए समझाता हूँ मान लो सब जगह मैंने फोर से देखो ऐसा कर रहा हूँ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं फोर से मल्टीप्लाई और फो से डिवाइड कर दे रहा हूँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए फोर अब देखना स्टूडेंट्स ये कितना होगा नाइन ये हो जाएगा नाइन माइन नाइन इंटू टू एटीन और ये कितना हो जाएगा फोर आपको दिख रहा है माइनस एटीन प्लस नाइन कितना हो जाएगा माइनस नाइन और माइनस नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा मैंने कुछ गड़बड़ की क्या बस एक सेकेंड स्टूडेंट जल्दी से देख लेते हैं ये था नाइन बाई फोर ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई टू बिल्कुल सही और ये हो जाएगा वन तो मैंने सब जगह क्या किया डिनोमिनेटर को फ़ोर किया ताकि मेरी कैलकुलेशन फटाफट हो जाए तो ये था नाइन बाई फोर ये हो जाएगा माइनस एटीन बाई फोर और ये हो जाएगा प्लस फोर बिल्कुल सही वहाँ भी हमने प्लस फाइव बाई फोर ही आ रहा था ना बस एक बार आई एम रियली सॉरी क्लास एक छोटा सा करेक्शन है आई एम रियली सॉरी एक छोटा सा करेक्शन है वही बात जो यहाँ पर चेक होगी क्रॉस चेक करने से कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी क्या छोटा सा करेक्शन है यहाँ से देखिएगा छोटा सा कैलकुलेशन का एरर हुआ है यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए ये हो जाएगा माइनस नाइन मैं इस पर आ रहा हूं वापस यहाँ पे देखो ये होगा माइनस नाइन बाई फोर ये होगा प्लस वन तो मैंने पता नहीं क्यों वन माइनस नाइन बाई फोर बोलने के चक्कर में वो नेगेटिव साइन हटा दिया तो ध्यान से सुनो वन माइनस नाइन बाई फोर तो माइनस नाइन प्लस फोर यानी माइनस फाइव बाई फोर तो ये स्टूडेंट्स होगा माइनस फाइव बाई फोर यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस फाइव बाई फोर आई होपी अंडरस्टूड वो करेक्शन किया है बस एक कैलकुलेशन की मिस्टेक है जिससे वो माइनस होगा सेम बात अगर यहाँ पर आप अप्लाई करें तो ये कितनी हो जाएगी क्लास माइनस एटीन प्लस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस फोर इज़ माइनस फाइव बाई फोर टू डिड यू रियलाइज या तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाली टेक्निक यूज़ कर लें या फिर आप ये अपना स्टैंडर्ड तरीका जो है फॉर्मूला और वैल्यू रखने वाला वैसा कुछ सोच लें तो ओवरऑल मुझे ये समझ आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या इन्फिनिटी है ना अब मैं वापस आ रहा हूँ इस बात पर सर सेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है सर सेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है और ध्यान से समझो सर उसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर है ना माइनस फाइव बाई फोर क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली वन से थोड़ा छोटा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं है ना तो मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ यहाँ कहीं होगा माइनस वन है ना यहाँ कहीं लेथ से होगा माइनस फाइव बाई फोर और इधर जाते जाएंगे तो ये क्या होगा इन्फिनिटी आई होप आपको बात समझ आ रही है बहुत ध्यान से इधर कहीं चले तो यहाँ कहीं होगा सर वन और इसे चलते जाओगे तो यहाँ कहीं होगा इन्फिनिटी जो सेक इनवर्स एक्स में एक्स हुआ करता था इस बार वो एक्स पूरा क्या है इस बार वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बस मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ बनेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ बनेगा या ऐसा कुछ चीज़ें दिखेंगी तो आपका जो कर्व अभी तक दिखा करता था आपका जो अभी तक कर्व दिखा करता था है ना इस बार वो एक्स जो है वो ये कुछ ऐसा सा है आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स मतलब अगर x होता तो सर बिल्कुल माइनस वन से इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी लेता लेकिन x नहीं है सर वो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन तो इस एक्सक्वेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि आपका एस एन इनपुट पास हो रहा है सेक इन्वर्स के अंदर उसकी वैल्यू मिनिमम ही क्या है सर उसकी वैल्यू मिनिमम है माइनस फाइव बाई फोर मतलब जो x एक्स इनवर्स के अंदर हम पास करते थे वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक हुआ करता था वो इस बार क्या है वो इनवर्स अब हम जब पास कर रहे हैं तो वो पास कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक एक्स प्लस वन तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव बाई फोर से माइनस वन तक ही है मतलब एक जोन और दूसरा डेफिनेटली मैक्सिमम तो चले ही जा रहा है तो आप ये जो वैल्यू पास कर रहे हो सर ये वैल्यू जो है अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए हटा भी दो तो ये जो तो वैल्यू पास कर रहे हो तो सर ये वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर तो से माइनस फाइव बाई फोर से इन्फिनिटी तक तो और हमारा सिनेरियो क्या कहता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी मतलब दोनों बातें आप समझ पा रहे हो जैसे सेक इन्वर्स एक्स जो होता है मैं दोनों तरीक़ों से समझाता हूँ सेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक होता है और वन से इन्फिनिटी तक होता है और ऑब्वियसली माइनस वन और वन इंक्लूडेड रहते हैं अच्छी बात है सर लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो इसने बोला कि सर मैं तो मैं तो माइनस फाइव बाई फोर से आगे बढ़ा चला हूँ तो फाइनली मैं कहूंगा कि जो हम लेंगे सेक इनवर्स के अंदर सेक इनवर्स एक्स ने कुछ बोला कि आप ऐसा ले लो और इसने बोला कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा तो फाइनली जो कॉमन रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स वो ये कहेगा आपसे कि सर आप जो वैल्यूज़ लोगे वो क्या लोगे आप लोगे माइनस फाइव बाई फोर से माइनस वन तक इंक्लूसिव वह बोथ और फिर आप लोगे वन से इन्फिनीटी तक इंक्लूडिंग वन क्या आपको बात समझ आई मतलब सेक इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज मैं पास कर सकता हूँ वो डेफिनेटली अगर सिर्फ एक्स होता तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक होती बट जैसे आपने सेकर्स के अंदर ये पास किया तो इसने तो बोला मैं तो मिनिमम माइनस फाइव बाई फोर तक ही हूँ इसके पीछे तो मैं हुई नहीं मतलब मेरी मिनिमम वैल्यू यही है ये। इससे छोटा मैं हो ही नहीं सकता तो आप इससे छोटा इमेजिन कैसे करोगे मतलब ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक तो इसने बोला मैं तो माइनस मैं तो वन से वन के बीच भी हो सकता हूँ तो आप हो सकते हो पर सेकंड वर्स के अंदर हम पास नहीं कर सकते ना तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि आप माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू मत लेना क्योंकि आप माइनस वन से वन के बीच एग्जिस्ट करते हो इसकी वैल्यू माइनस वन से वन तक होती है लेकिन हमारे सेक इनवर्स के अंदर जो वैल्यू पास कर सकते हो वो माइनस वन से वन पास नहीं कर सकते गेटिंग माय पॉइंट क्योंकि उसकी डोमेन में डिफाइन नहीं है वो तो मैं फाइनली कहना चाह रहा हूँ कि सेक इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज पास करोगी वो क्या होगी वो फाइनली ये नहीं होगी ये तो इसकी वैल्यू है तो सेक इनवर्स के अंदर फाइनली रिफाइन करके जो वैल्यूज पास करूंगा इसकी वो क्या होगी क्लास वो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो वो होगी सर माइनस फाइव से माइनस और और क्या होगी वन से इन्फिनिटी सर आपने तो रेंज नहीं निकाली आपने तो डोमेन निकाल दी रेंज के बारे में क्या ख्याल है सर ये तो डोमेन हुई ये रेंज थोड़ी है क्या आपको बात समझ आ रही है सर ये तो डोमेन हुई ना ये रेंज कहाँ है मतलब आपने तो अभी इसकी वैल्यू निकाली एंड टू बी वेरी ऑनस्ट आपने एक्स की वैल्यू निकाली आप रेंज कहाँ निकाल रहे हो तो रेंज पे आते हैं क्लास की रेंज क्या होगी अब रेंज बड़ी आसान सी बात है सोच के देखो क्लास ध्यान से देखना मैं सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ पे वापस आता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि इसकी रेंज निकालने के लिए अब डोमेन हमारी कैसे हेल्प करेगी याद करो ये हमारा ग्राफ है क्लास बहुत ध्यान से देखना ये हमारा किसका ग्राफ है सेकंड इनवर्स एक्स का सेकंड इनवर्स एक्स के ग्राफ में अगर मैं सोचना चाहूँ तो सोचो ध्यान से देखो क्लास यहाँ पर इमेजिन करना चीज़ और बहुत ध्यान से देखना हमने क्या बोला आपका जो सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ है इसको मैं एक और जगह प्लॉट कर देता हूँ और यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझ आएगा कि देखो कितनी शानदार सी चीज़ें होती हैं और कितने अच्छे से इनको इमेजिन कर सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स ये आपकी सारी वैल्यूज़ हैं है ना यहाँ कहीं ज़ीरो था यहाँ कहीं माइनस वन होगा यहाँ कहीं प्लस वन होगा बस इससे थोड़ा पीछे ही माइनस फाइव बाई फोर होगा प्रॉपरली स्केल करके नहीं बना रहा बस एक रैंडम सा आइडिया दे रहा हूँ और यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ कहीं प्लस इंफिनिटी होगा है ना एक प्रॉपर ग्राफ होता तो क्या होता और अब इस कंडीशन में कहाँ रुक जाएगा वो समझना सर तो जीरो पे जीरो है पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है और पाई बाय पे माइनस वन हो जाता है और ये ऐसा इन्फिनिटी तक चीज़ें हैं है ना अगर मैं इसका ग्राफ आपको समझाऊँ तो देखो हमारा नॉर्मल ग्राफ कैसा बनता है और इसमें मुझे कहाँ रुकना पड़ेगा वो समझाता हूँ सर ये होता है आपका पाई बाई टू अगर सिंपल सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है तो क्या होता और जो हम बना रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है सर आप कह रहे हो कि सेक इनवर्स वन जो होता है वो जीरो होता है और सेक इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो पाई बाई टू को अप्रोच करता है है ना सिमिलरली सेक इनवर्स जो माइनस वन होता है वो होता है पाई और उसके बियॉन्ड उसके बियॉन्ड जब आप जाते हो जब और छोटा करते हो तो वो माइनस इन्फिनी तक आते आते हैं माइनस फाई बाई टू को अप्रोच करता है सर ऐसी आपकी कुछ कहानी है अच्छी बात है सर समझ आया लेकिन आपने बोला कि आपका जो वैल्यूज़ है आपने जो वैल्यूज़ कंसिडर किए हैं जो आपने एक्स की वैल्यूज़ ली अब एक्स मतलब क्या आप जो सेक इन्वर्स के अंदर पास कर रहे हो इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या ध्यान से सुनिएगा गौर फरमाइएगा इस बात आप कह रहे हो कि सर आप जो वैल्यूज़ ले रहे हो वो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो बस और आप जो वैल्यूज़ ले रहे हो वो यहाँ से

और अगर ग्रीन वाला पार्ट नहीं है तो मेरा जो ग्राफ है सेक इनवर्स ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा बट हाँ कुछ ऐसा ही होगा मतलब मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एक अप्रोसीटेड ग्राफ सेक इनवर्स ऑफ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या था वो फंक्शन थ्री एक्स प्लस वन है ना अगर आपका इनपुट जो है अगर वो एक्सक्र प्लस थी एक्स प्लस वन है मतलब ये जो वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं है एक स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन की वैल्यू है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अब मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनना है स्टूडेंट्स अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो रेंज कैसे निकालते हैं रेंज मतलब वाई की वैल्यूज मतलब वाई की वैल्यूज़ कहाँ से कहा तक मुझे तो सेक इन्वर्स है सर तो सेक इन्वर्स का ग्राफ ऐसा बन रहा है अब अगर मैं देखूँ तो मिनिमम वैल्यू जीरो पे मुझे जीरो दिख रही है सर जीरो से ऊपर जाता जा रहा हूँ ग्राफ दिख रहा है क्योंकि देखो ग्राफ दिख रहा है सब जगह दिख रहा है तो जाता जा रहा हूँ ग्राफ दिख रहा है लेकिन पाई बाई टू पर नहीं दिखा सर पाई बाई टू के बाद ध्यान से देखना स्टूडेंट्स पाई बाई टू के बाद भी सर बहुत दूर तक नहीं दिखा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ तक भी ग्राफ है ही नहीं देखो आप इधर ढूंढो आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है सर तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ भी ग्राफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ तक पूरा एक गैप आया फिर इसके बाद ग्राफ यहाँ से डिफाइंड होते होते यहाँ तक चला ये यह यहाँ तक तो क्या फाइनली वाई की वैल्यू समझ पा रहे हो वाई की अगर मिनिमम वैल्यू मैं बताऊँ वाई की अगर मैं मिनिमम वैल्यू बताऊँ स्टूडेंट्स तो कहाँ से शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है वन से आपको दिख रहा है एम रियली सॉरी वाई की जो मिनिमम वैल्यू शुरू हो रही है वाई एक्सपू हो रही है जीरो से तो वाई की मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट जीरो जीरो से सर हम पाई बाई टू तक गए पाए बाय टू तक सब कुछ मुझे दिखा पूरा का पूरा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा था देखो आप पूरा का पूरा ग्राफ दिखा पाई बाई टू तक गए लेकिन ऑब्वियसली पाई बाई टू पर मुझे वैल्यू पाई बाय टू नहीं मिली क्योंकि पाई बाई टू पर तो नॉट डिफाइंड है मतलब पाई बाई टू अचीव ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्स जब इन्फिनिटी को मिलेगा तब पाई बाय टू मिलेगा तो एक्स इन्फिनिट को अप्रोच करता है एक्स इन्फिनिटी अचीव थोड़ी करता है तो पाई बाई टू नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं पाई बाई टू से आगे बढ़ा तो सर पाई बाई टू से यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिला पाई बाई टू से यहाँ तक कुछ नहीं मिला ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स ये पॉइंट है स्टूडेंट्स माइनस फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर पर सेक इनवर्स की वैल्यू मतलब तो ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट है सेक इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई फोर क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स ये पॉइंट है सेक इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई फोर क्योंकि ये क्या है ये आपकी एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर अगर एक्स पास करते हो तो ये वो वैल्यू है तो सर इसके बाद अब ग्राफ मिलना कहाँ से शुरू हुआ यहाँ से जिसकी वैल्यू क्या है सेक इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई फोर तो इसके बाद आप लेंगे क्या इंक्लूड करेंगे सेक इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई फोर से कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स कहाँ तक जाएंगे वो पाई तक जा रहे हैं सर तो इसको मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा पाई तक तो ये सारी वैल्यूज आपने ली और पाई इंक्लूडेड है सर पाई पर वो माइनस वन होता है तो इसकी रेंज ये होगी आपको समझ आया कि इतने सारी जगह पर वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि सर क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम आ गई क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम ये आ गई कि क्वाड्रेटिक में बोला कि मैं तो माइनस फाइव बाई फोर से छोटा ही नहीं हूँगा तो आपके लिए आपका सेकंड वर्स डिफाइंड होता होगा माइनस फाइव बाई फोर से छोटी वैल्यूज़ के लिए पर मेरी वैल्यूज तो माइनस फाइव बाई फोर मिनिमम है ना मैं इससे पीछे नहीं जाऊँगा इट्स लाइक आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो पर ड्राइवर ने बोला कि मैं इससे पीछे नहीं जाऊँगा मतलब इसके आगे नहीं जाऊँगा मतलब मेरा वो पॉइंट है लिमिटेड तो आप उससे आगे कैसे जा पाओगे क्योंकि आपको ले जाने वाला शख्स ही वो ड्राइवर है ना तो ड्राइवर यहाँ पर एक से तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम यही है इसके पीछे वो जा ही नहीं पा रहा है तो सेकंडवर्स कैसे जाएगा जब यही इतना मिनिमम है तो इस कारण हमको रुकना पड़ रहा है हम कह रहे हैं कि सेकेंड वर्स जो है वो माइनस फाइव बाई फोर पर ही रुक जाएगा मतलब मैं उसको ध्यान से सुनिए उस ग्राफ को उस ग्राफ को माइनस फाइव बाई फोर से पीछे सोच नहीं पाऊंगा मतलब ये जो वो ग्रीन वाला हिस्सा था ये इस वाले पार्ट में वो वॉइड या गैप आएगा क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स आई होप बहुत डिटेल में आपको क्लैरिटी मिली कि ये क्वेश्चन कैसे सोचा गया और उस पर कैसे काम किया गया हालांकि बहुत आसानी से आप चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं जैसा मैं शुरुआत से कहता हूँ अगर आपको ग्राफ और सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड डोंट वरी अभी चीज़ें बहुत टफ या डिफिकल्ट लग रही होंगी क्योंकि अभी आपको एक ही कंसेप्ट पढ़ाया गया है जैसे जैसे अलग अलग कंसेप्ट पढ़ लोगे ना जैसे ये पढ़ लोगे ये पढ़ लोगे अभी एज अ कंसेप्ट एज अ चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरा इन्वर्स्ट ग्रोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक एज अ चैप्टर हम कंप्लीटली पढ़ेंगे सो so, तब और डिटेल में चीज़ें समझ बजाएंगे और फिर जैसे ये कॉन्सेप्ट रेंज के कंसेप्ट में मर्ज होगा ना तो ये क्वेश्चन जिसको समझाने में मुझे इतना वक्त लगा ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करवाने में इतनी जो वक्त लगा ये सब चीज़ें आप चुटकी में सोच लोगे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस क्वेश्चन को करने में हमको लगभग चार पेज लगे इस क्वेश्चन को करने में लगभग चार पेज लगे जब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता होंगे डिटेल में क्या क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक और रेंज तब आप चार स्टेप में इस क्वेश्चन को कर लोगे और ये यकीन करिए चार स्टेप का ही क्वेश्चन है तब जब आपको सारी चीज़ें पता हूँ और उसमें वक्त लगेगा तो पेशेंस के साथ बस बने रहिए और बस चीज़ें सीखते रहिए है, है ना और अच्छे से समझते रहिए एक टाइम आएगा जब आपको सब पता होगा और आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बहुत ऐसे निकाल लोगे कि सर क्या तरीका है ऐसे भी सोच सकते हैं तो ऐसे तरीके डेवलप होंगे विद टाइम बट पहले तो बस शांति से चीज़ें समझनी होंगी और सीखनी होंगी और सारा इनपुट अंदर आने देना होगा वो प्रोसेस होगा फिर आपका आउटपुट निकलेगा है ना मतलब अंदर कुछ इनपुट है ही नहीं तो आउटपुट कैसे आएगा तो पहले इनपुट आने दीजिए बहुत सारा डेटा फीड होने दीजिए चलिए अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आई थिंक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं समझते हैं क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है सर लॉग के अंदर फ्रैक्शन पार्ट डिफाइन कर दिया अब तो लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गई सर आपका मन नहीं भर रहा है सेकंड कि में क्वाड्रेटिक डाल दिया अब आप लॉग में फ्रैक्शन डाल रहे हो जी हाँ आपको डिफिकल्टी से तो जूझना ही पड़ेगा ना मतलब सोचो जितनी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी एग्जाम में चीज़ें उतनी आसान लगेंगी क्योंकि आप डिफिकल्टी सारी फेस कर चुके होंगे ऐसा कहा जाता है ना प्रैक्टिस लाइक अ डेविल एंड प्ले लाइक एन एंजल तो हम प्रैक्टिस वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक अ डेविल हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीजें कर रहे हैं ताकि हमें हर बारीक से बारीक चीज़ क्लियर हो मेरा मोटिव यही है यह मैं शुरू से आपको समझा चुका हूँ कि हम क्वेश्चन अच्छे रखेंगे हम क्वेश्चन डिफिकल्ट ही रखेंगे आसान क्वेश्चन करवा देकर आपको खुश करवा देने का कोई पॉइंट ही नहीं है जब अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उनके थ्रू आप कितना कुछ सीखेंगे आप ये भी तो सोचिए तो लाइफ में डिफिकल्ट चीज़ें आने दीजिए क्योंकि डिफिकल्ट चीज़ें आपको और मजबूत बनाएंगी और आपके बारेकियाँ क्लियर करेंगी लाइफ के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डिफिकल्टी होना ज़रूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं आई होप आपको चीज़ें समझ तो आ रही मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि डिफिकल्ट चीजें मैं पढ़ाए जा रहा हूँ तो उस वजह से डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ गया कि अब आपको चीज़ें समझ आ रही है मतलब वो जोन में रहना ज़रूरी है कि चीज़ें समझ भी आएँ वरना कोई मतलब ही नहीं है डिफिकल्ट चीज़ें करने का राइट right? चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं और उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार सा है क्वेश्चन क्या है वही देखते हैं पहले तो वो दे रहा है लॉग है ना और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखा हुआ है और लॉग के अंदर बड़ी बेसिक सी चीज़ लिख दी है उसने क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इस मतलब ऐसे ही कुछ है बस थोड़ी सी चीजें बदल गई है ना वो क्या ले ले रहा है वो ले ले रहा है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू आई बिलीव यही कुछ है है ना थ्री एक्स प्लस टू और बेस जो है वो है ई है ना और देखो इस बार भी उसने बताया आप इन जनरल अगेन इस ब्रैकेट को फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की तरह ट्रीट तभी करना जब वो लिखे कि इट इज़ दी फ्रैक्शन पार्ट अगर वो एक्सप्लिस मैंशन ना करें तो आप एस एजाम्पन पर काम मत करिएगा उससे फिर सीधे सीधे एक ब्रैकेट की ही तरह ट्रीट करिएगा इस बात को हमेशा याद रखिएगा चलिए एक बार अगेन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे आई होप वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन ट्राई किया अब हम साथ में देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम सोच सकते हैं तो ध्यान से देखिए क्लास ये कुछ एक क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार सा और देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या सबसे पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि सर अगर ये एक लॉग फंक्शन है अगर ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है अगर यहाँ लॉग लिखा हुआ है मैं रेंज पर ही आ रहा हूँ लेकिन मैं रेंज पर आने से पहले मतलब ऑब्वियसली हम रेंज ही निकालेंगे लेकिन रेंज निकालने से पहले अगर मैं थोड़ी डोमेन की बातें करना चाह रहा हूँ डोमेन की बातें करना चाह रहा हूँ मतलब इसके बारे में कुछ सोचना चाह रहा हूँ इसके बारे में सोचने से पहले एक और बात करते हैं अगेन जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया याद है आपको क्वाड्रेटिक के बारे में हमने आज क्यों बात की क्योंकि क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक यूज होने वाला है ये भी क्वाड्रेटिक ही है ध्यान से देखो तो क्या इसके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं सर देखो कोशिश करो मेरा थॉट है कि लॉक को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसके डोमेन को सोचने की कोशिश करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसके डोमेन के थ्रू इसकी रेंज तक पहुँचने की कोशिश करूँ जैसे ही इसकी रेंज निकाल लूंगा ये निकल जाएगा पता है क्यों देखो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन विजुलाइज करवा रहा हूँ ध्यान से देखना अगर मैंने अगर मैंने ये निकाल लिया मैंने क्या निकाल लिया कि सर आपका जो एक्स स्क्वायर है मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर है प्लस थ्री टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस जो ये टू है अगर इसका मैक्सम और मिनिमम मुझे मिल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू थोड़ी देर के लिए ए आ जाती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है थोड़ी देर के लिए बी मतलब ये एक्सप्रेशन मान लेते हैं ए और बी के बीच है तो हमारा लॉग लॉग फंक्शन कैसा है अब हम क्या ले रहे हैं इसका लॉग तो मैं क्या निकाल रहा हूँ मैं लॉग फंक्शन ऐसा होता है क्योंकि बेस क्या है ई e. तो मान लो ए ये वैल्यू है मान लो थोड़ी देर के लिए ए ये है और ये बी है तो लॉग कैसा फंक्शन है ए पर लॉग ये हो जाएगा और बी पर लॉग ये हो जाएगा तो मुझे लॉग ए और लॉग बी यानी रेंज मिल जाएगी ना मुझे वाई एक्सिस पे पता चल जाएगा क्योंकि लॉग एक मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लॉग मुझे बता देगा कि सर आपकी ये मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम बहुत आसानी से सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को आई होप वो विजुलाइज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इमेजिनेशन की देखो इसका हम पाथ ऐसा यूज करेंगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे ऑलो अगर कर ये पार्ट नहीं भी समझ आ रहा है तो जस्ट मैं भी डिटेल में समझाऊंगा फिलहाल बस इस पार्ट को देखो फिलहाल बस इसे देखो इसको छोड़ दो भी है ना इसे देखो सर आप कह रहे हो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू इसको कैसे सोचेंगे मैं कहता हूँ अगेन क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ सर कर तो सकते हैं तो कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ध्यान से देखो क्लास मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर अच्छी बात है सर फिर क्या दिख रहा है थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ टू टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू थ्री बाई टू है ना तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो थ्री बाई टू बी बन रहा है अगर थ्री बाई टू बी बन रहा है तो मुझे थ्री बाई टू को थ्री बाई टू के स्क्वायर को ऐड और थ्री बाई टू के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस टू लिखना मत भूलिएगा क्योंकि वो तो एक, एक, एक एक्स्ट्रा पार्ट था ही है ना इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटा दो ये वाला पार्ट मैं डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा इसको मैं और एक बार और क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा तो इसे अभी के लिए स्किप कर दो ठीक है इसी बात में मैं आऊंगा क्वेश्चन होते होते चलो अब इसे देखते हैं क्लास ये क्या दिख रहा है क्लास ये क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो मैं इसे क्या लिख लूंगा मैं लिख लूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये वाला जो ब्रैकेट है नॉर्मल ब्रैकेट है इसका स्क्वायर अब क्या बच रहा है क्लास अब मुझे बच रहा है ध्यान वो गलती मत करना है ना जो लास्ट क्वेश्चन में हमने साइन वाली कर ली थी तो यह है टू यह है नाइन बाय फोर तो टू इंटू टू, टू फोर यह होता है नाइन बाय फोर, फोर आई होप आप देख पा रहे हो तो फोर इंटू टू, टू एट माइनस नाइन प्लस एट यानी माइनस वन क्या आपको दिख रहा है मैं फिर से कहता हूँ माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस एट यानी माइनस वन और माइनस वन अपॉन फोर तो यह जाएगा माइनस वन अपॉन फोर बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आई बहुत ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पे क्या मतलब है इन सब बातों का इन सब बातों का ये मतलब है क्लास ध्यान से सुनिए ये था नाइन बाई फोर फोर इन नाइन बाई फोर फोर इंटू टू एट माइनस नाइन प्लस एट इज़ माइनस वन बाई फोर तो चीज़ें यहाँ तक ऐसी हैं अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे कैसे आप सोचोगे मैक्सिमम और मिनिमम वो नॉर्मल एक्स होता था तो हम सोच लेते थे पर ये नॉर्मल एक्स नहीं है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है सर तो इसको आप कैसे वर्कआउट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या है क्लास एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई टू और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या है टू और आप इसमें माइनस वन बाई फोर कर दे रहे हो ये आपका एक्सप्रेशन है ये आपका होल पार्ट है हालांकि इसका लॉग भी लेना है अभी तो पहले तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ सर मुझे तो एक कहानी बड़ी अच्छे से पता है लाइफ में कि सर हमने ये सीखा था जब पढ़ा था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इतना इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है कि वो हमेशा ज़ीरो से वन के बीच होता है क्या आपको याद आ रहा है अब सोच के देखो जब ये एक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो से वन के बीच ही है तो जीरो से वन के बीच की वैल्यूज को थ्री बाई टू में ऐड करोगे तो ज़ीरो ऐड करोगे तो छोटा होगा वन ऐड करोगे तो बड़ा होगा तो कहना इसे जीरो पर ये मिनिमम होगा और वन पर है मैक्सीम हो क्योंकि जीरो से वन तक वैल्यू बढ़ी रही है ना और जीरो से वन तक हम पॉजिटिव पर ही देख रहे हैं तो जीरो पे मिनिमम होगा तो जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो रखी जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो रखी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो रखी तो जीरो प्लस थ्री बाई टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू का स्क्वायर कितना होगा नाइन बाई फोर तो मैं पहले तो इसका मिनिमा की बात करता हूँ नाइन बाई फोर माइनस वन बाई फोर तो ये कितना हो जा रहा है नाइन माइनस वन एट एट बाई फोर कितना होता है टू तो ये इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी क्लास ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी क्या क्या आपको ये समझ आया सिमिलरली इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जगह क्या रख रखोगे अमरीली सॉरी ये मिनिमम नहीं होगी अमरेली सॉरी मैं इस बात पे आता हूँ कि मिनिमम क्यों नहीं होगी मिनिमम इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन लग रहा है मैं बताता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा बट फिलहाल बस समझो दूसरी चीज़ दूसरी चीज के लिए मैं क्या बता रहा हूँ भी मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा बट बस ये वैल्यू निकालो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू वन रखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे ही वन रखते हो तो हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू वन प्लस थ्री बाई टू कितना होगा टू प्लस थ्री यानी फाइव बाई टू फाइव बाई टू का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव बाई टू क्या आपको दिख रहा है आई रिपीट माई स्टेटमेंट ये हो जाता है वन वन को जब मल्टीप्लाई किया तो टू टू प्लस थ्री फाइव ये हो जा रहा है फाइव बाई टू फाइव बाई टू का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर और उसमें से आप क्या सब ट्रैक्ट हो? वन बाई फोर तो ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर को फोर से डिवाइड किया तो कितना है सिक्स आई रिपीट माई स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आ रही है वो समझिएगा जब मैंने इसकी मिनिमम रखी तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो वही इस पूरे की मिनिमम होगी और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखी तो उसमें से वही सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो इसकी मैक्सिमम होगी ये तो पार्ट फिक्स्ड है ना ये तो पार्ट फिक्स्ड है तो जो इसका मिनिमम होगा वही इस ओवरऑल का मिनिमम होगा और जो इसका मैक्सिमम होगा वही इस ओवरऑल का मैक्सिमम होगा और परफेक्ट स्क्वायर अभी हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फेक्स जीरो से वन तक होता है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो पर मिनिमम और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन पर मैक्सिमम होगी और उसी के अकॉर्डिंग ये टू और सिक्स मुझे मिले क्या आपको ये बात समझ आई मतलब वही कॉन्सेप्ट मैं रिपीट करता हूँ कि इसका जो मिनिमा था वो टू होगा और इसका जो मैक्सिमा था वो सिक्स होगा अगर ये बातें समझ आई तो क्या अब फाइनली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं सोचिए जो मैं कहना चाह रहा था लॉक के क्राफ्ट में ज़रा बस उस बात को सोच लीजिए क्या फाइनली आंसर कंक्लूड कर पा रहे हैं जरा कोशिश करिए खुद से स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है ये रियालिटी में क्या था ये रियालिटी में ये था और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली टू और सिक्स आसानी से बड़ी बात को ध्यान से समझिएगा इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आती है वो है टू और एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आती है वो है सिक्स हालांकि क्वेश्चन ये नहीं था क्वेश्चन था लॉग ऑफ दिस और इसकी फिर से याद करिए क्लास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी इसकी मिनिमम वैल्यू थी टू और इसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी क्लास इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी थिक्स ये मैं क्यों कह रहा हूँ अब समझना ध्यान से मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्लास कि देखो याद करो ध्यान से सुनिएगा यह आपका लॉग का ग्राफ होता है यह आपका लॉग का ग्राफ होता है ओब्वियसली ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ कहीं आपका माइनस इंफिनिटी होगा उसका कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि उधर होता ही नहीं है और ये होता है प्लस इंफिनिटी है ना अब सोच के देखो आपको टू और सिक्स मिले एक्स पर एक्स सिक्स उस पर क्या मिले टू और सिक्स तो कहीं ना कहीं होगा टू ये तो वन होता है क्योंकि वन पे ज़ीरो होता है और कहीं ना कहीं होगा सिक्स आई होप आप मेरी बात सुन रहे हो और लॉग एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे एक्स बढ़ता है जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे वाई भी बढ़ता है मतलब एक्स की छोटी वैल्यू के लिए वाई छोटा होता है और एक्स की बड़ी वैल्यू के लिए वाई बड़ा होता है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए इसका ये मतलब है कि सर अगर आप लॉक 2 निकालें अगर आप लॉक 2 निकालें तो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी लॉक 2 है ना और अगर आप लॉक 6 निकालें अगर आप लॉक 6 निकालें तो वो ये वैल्यू होगी क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स और मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे ध्यान से सुनो और इस लॉक टू से लॉक सिक्स के बीच की वैल्यू ये है ये आपकी वैल्यूज़ हैं है ना ये आपकी ओवरऑल वैल्यूज़ हैं लॉक टू और लॉक सिक्स के बीच के वैल्यूज़ तो कहना है अगर मैं इस कर्व की रेंज देखूँ तो रेंज क्या होगी क्लास कि सर कहानी वाई एक्स इस पर अगर मैं देखूँ लॉक टू से लॉग सिक्स के बीच मतलब जो आपकी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या थी वो थी थो टू और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी एक्स मतलब वो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन जिसको मैं इस पर एक्स बोल रहा हूँ है ना तो ये जो थी आपकी ये क्या थी ये इसकी मिनिमम वैल्यू थी और ये जो थी ये क्या थी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम टू है और मैक्सिमम सिक्स है तो उसी के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू यानी उसी के करेस्पॉन्डिंग लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी वो क्या होगी लॉक टू से लेके लॉक सिक्स क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो टू पे लॉक टू मिलेगा सिक्स पे लॉक सिक्स मिलेगा तो टू पे इसका मिनिमा होगा लॉक टू और सिक्स पे इसका मैक्सिमा होगा लॉक सिक्स यानी इसकी रेंज क्या होगी क्लास इसकी रेंज ये होगी कहाँ से कहाँ तक लॉक टू से लॉक सिक्स तक क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ के थ्रू मतलब मैं फाइनली क्या ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स फाइनली ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि इसकी जो वैल्यू है सर टू पे मिनिमम होगी और सिक्स पे मैक्सिमम होगी मतलब तो रैंडमली ऐसा हम बोलना कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू टू है तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू लॉक टू होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू सिक्स है तो इसकी मिनिमम वैल्यू लॉक सिक्स होगी ऐसा हर का भी नहीं बोलेंगे ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा बेस जो है बेस जो है वो वन से बढ़ाए और जब बेस वन से बढ़ाए तो उसका ग्राफ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होने का मतलब है छोटी वैल्यू पर छोटा और बड़ी वैल्यू पर बड़ा मतलब वो कर्वेचर पता होना जरूरी है उस फंक्शन के बारे में पता होना जरूरी है उस फंक्शन का आइडिया हमेशा उसका ग्राफ देगा और इसीलिए मैंने ग्राफ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं तो प्लीज़ ग्राफ याद रखेगा ग्राफ से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे ग्राफ से ही पैथ्स होगा तो याद रखिएगा चलिए वापस आते हैं काम की बात पर मैं यहाँ पर अगर समझाना चाहूँ तो मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में कहूँ तो मैं कहूँगा कि सर y जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी log 2 बेस e और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी log 6 बेस e यानी आप अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप फाइनली आंसर लिखते हैं कि वाई बिलोंग करेगा यानी इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो होगी लॉक टू से लॉक सिक्स एंड ऑब्वियसली बेस क्या होगा नहीं लिखा है तो ई यह आपका आंसर होगा क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट किया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमें रेंज पर और क्लैरिटी देगा चलिए देखते हैं क्लास की इस तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने मॉड पर रेंज वर्कआउट करना नहीं सीखी है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें मॉड पर भी रेंज वर्कआउट करना सिखा पाऊं तो एक मॉड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे और क्लैरिटी लेते हैं कि यहां पर कैसे सोचना है तो कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ठीक है सर अच्छी बात है इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे इस फंक्शन की रेंज निकालने का पहला तरीका यह है कि मॉड को सिंप्लीफाई कर लो क्या आपको याद है मॉड को हमने सिंप्लीफाई करना सीखा है मॉड को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है क्लास कि मैं क्या करता हूँ मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स क्लास माइनस इन्फिनिटी से एक तो हो जाएगा प्लस वन एक हो जाएगा प्लस वन से प्लस टू और एक हो जाएगा टू से इन्फिनिटी और जब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा इस फंक्शन को फिर से लिखूंगा इस फंक्शन को अब जब मैं फिर से लिखूंगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं इस फंक्शन को पहले देखता हूँ मैं माइनस इफिनिटी से माइनस माइनस इफिनिटी से वन तक है ना तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्लास में इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखना चाह रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक पहले मैं लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से जब एक्स बड़ा है और कहाँ तक है वन तक तो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से वन तक है तो ध्यान से सुनिए है माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच की जब आप वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या होंगी ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वन से छोटा है और ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप वन से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो जैसे जीरो जीरो माइनस वन नेगेटिव जीरो माइनस टू नेगेटिव तो जब मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है तो एक्स माइनस वन को क्या ओपन करेंगे क्लास एक्स माइनस वन को मैं ओपन करूंगा एक्स माइनस वन को कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन को ओपन करेंगे माइनस एक्स प्लस वन मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे लिख देता हूँ देखो एक्स माइनस वन नेगेटिव है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू भी नेगेटिव है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू क्योंकि बीच में तो पॉजिटिव साइन था आपको याद है बीच में कौन सा साइन था पॉजिटिव है ना अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा और आगे क्या बढ़ता हूँ अब हमारा अगला जो पार्ट था अगला जो चंक है वो सर होगा एक्स वन से टू के बीच में वन से टू के बीच की सारी वैल्यूज पर चेक करूंगा तो सर जब एक्स वन से टू के बीच में है तो यहाँ पे वन से बड़ी वैल्यू तो ये पॉजिटिव होगा देख लो वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉजिटिव लेकिन वन पॉइंट फाइव यहाँ रखा तो वन पॉइंट फाइव माइनस टू नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है मतलब सर आपका एक्स माइनस वन तो एज इज़ ओपन हो जाएगा लेकिन एक्स माइनस टू पर फिर नेगेटिव साइन लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू आई होप आपको समझ आ रहा है और एक चंक जब सर एक्स जो है जब सर जो एक्स जो है वो टू से बड़ा है है ना आई होप आपको क्लियर हो रहा है अगर आप चाहें तो जनरली हम ऐसे लिखना अवॉइड करते हैं तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब एक्स वन से छोटा है जब एक्स वन से टू के बीच में हो और जब एक्स टू से बड़ा है है ना उस केस में क्या होगा सोचो जब एक्स टू से बड़ा है तो ले से थ्री थ्री माइनस वन पॉजिटिव थ्री माइनस टू पॉजिटिव तो एज इट इज ओपन हो जाएगा यानी मैं इसको क्या लिखूंगा क्लास मैं इसे लिखूंगा क्या एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू वो मॉड एज इट इज प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा अब मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ देखो सिम्प्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री इसमें मैं क्या लिखूंगा क्लास इसे मैं लिखूंगा टू एक्स माइनस थ्री यानी ओवरऑल जो आपका एक्सप्रेशन था वो एक्स की सारी वैल्यूज टू से छोटी के लिए और सॉरी एक्स की टू से बड़ी वैल्यूज के लिए ये हो जाएगा सर यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू यानी प्लस टू तो टू माइनस वन कितना होता है वन तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन फिर से बोल देता हूँ माइनस ऑफ माइनस टू अमरीली सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी एक्स से एक्स कैंसिल होगा क्योंकि ये है एक्स और ये है माइनस एक्स मैं अगर ब्रैकेट हटाऊं अगर ब्रैकेट हटाऊ तो माइनस एक्स हो जाएगा ना तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल और माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू तो प्लस टू माइनस वन कितना होगा प्लस वन तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा प्लस वन आई होप आपको ये चीजें दिख रही हैं ये चीज़ बन जाएगी प्लस वन सर यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिए माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू तो टू प्लस वन थ्री और माइनस टू एक्स आई होप आपको दिख रहा है तो so ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री मतलब एग्जैक्ट वो जो ऊपर है उसका रेसिप उसका नेगेटिव है ना तो so ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री तो ओवरऑल आपका फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है क्या आपको ईजिली समझ आ रहा है स्टूडेंट्स अब मैं कोशिश करता हूँ इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की जब आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है क्लास ये माइनस इन्फिनिटी से वन तक है वन से टू तक है और टू से इन्फिनिटी तक है तो इसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ चला आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से कहां तक वन तक है ना रियली सॉरी कहीं होगा फिर वन से टू तक कुछ बना रहा और फिर टू से इंफिनिटी तक भी कुछ बना अब बहुत ध्यान से सुना क्लास क्वेश्चन बड़ा मजेदार है प्लीज ध्यान से सुनिए पहले तो देखते हैं वन से टू के बीच ये वन ही रहा मतलब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन रहा और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है क्लास एक्सिस के पैरेलल तो मान लो ये कोई पॉइंट है वन तो वन से टू के बीच में ये वन ही बना रहा मतलब ऐसा कुछ रहा कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब एक्सिस के पैरल याद आया सर ध्यान से सोच के बताओ कि टू पे ये क्या होगा अगर यहाँ पे टू होता तो क्या होता तो टू इं टू टू फोर फोर माइनस थ्री वन तो ये वन होता और फिर देखो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है टू एक्स माइनस थ्री एक स्ट्रेट लाइन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि टू एस माइनस थ्री स्ट्रेट लाइन क्या होती है अब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बड़ी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी तो एक ऐसा होता चला जाएगा ये टू के बाद कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी आप रख के देखो टू के बाद थ्री रख के देखो तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी फोर रख के देखो तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी ऐसे चलता चला जाएगा सिमिलरली सर आप एक काम करते हैं वन पे रख के देखते हैं वन पे ये क्या हो रहा है सर अगर वन रखा तो वन इंटू टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस थ्री वन तो सर वन पे ये क्या हो रहा है वन हो रहा है मतलब इसकी डेफिनेशन से भी ये वन हो रहा है और जब आप वन से छोटी वैल्यू रखोगे जैसे जीरो रखते हैं तो जीरो रखा तो क्या हो रहा है थ्री जैसे माइनस वन रखता हूँ तो माइनस वन रखा तो माइनस टू इंटू माइनस वन यानी प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव तो सर जैसे जैसे मैं वन से छोटी वैल्यूज भी रखूँगा इवन नेगेटिव भी रखूंगा तो भी ये पॉजिटिव ही है मतलब वन से छोटी वैल्यूज़ के लिए भी वन से छोट एक्स की वन से छोटी वैल्यूज़ के लिए भी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेता चला जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा मैं बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ अगर आपको नहीं भी क्लिक हो रहा है तो पहली बात तो ये जैसे ही मैं आपको कॉर्डिनेट जोमेट्री पढ़ाऊंगा आपको ये बहुत इजीली दिखेगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं दूसरी बात अगर आपको अभी क्लिक नहीं कर रहा है तो आप एक काम करो आप एक्स की कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लो वाई की वैल्यूज़ ले लो उनसे पॉइंट्स बनाओ और उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वही इसका ग्राफ होगा तो ओवरऑल ये जो आपका एक्सप्रेशन था कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स आपका जो एक्सप्रेशन था एफ ऑफ एक्स जो कि क्या था मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू उसका ग्राफ है और अगर मैंने इसका ग्राफ बना लिया है तो मैं बस रेंज का निकालने का एक और तरीका आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या हम ग्राफ के थ्रू रेंज निकाल सकते हैं बिल्कुल आपने ग्राफ बनाया अब रेंज कैसे निकालेंगे क्लास आप बस इसको ट्रेस करना शुरू करिए वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस पे देखो देखो एक्स एक्सिस पे अगर डोमेन पूछता है तो माइनस से इन्फिटी तक सब जगह ग्राफ डिफाइंड है लेकिन वाई एक्सिस पे देखा तो सर मैंने माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू किया माइनस यूनिटी से चलता गया चलता गया चलता गया जीरो तक कुछ नहीं मिला जीरो से भी ऊपर आया तो वन तक कुछ नहीं मिला वन पे कुछ मिला वन पे सर ग्राफ था फिर वन के बाद ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए इन्फिनिटी तक ग्राफ मिला मतलब इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है कहाँ से कहाँ तक सर इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है वन से इन्फिनिटी तक वाई की सारी वैल्यूज़ के लिए तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी वन से इन्फिनिटी क्या आपको समझ आया स्टूडेंट से कैसे सॉल्व किया ये तो हमने देखना हमेशा से सीखा है कि फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए वाई पे देख लो फंक्शन का ग्राफ वाई पे करिस्पॉन्डिंग किस किस वैल्यू के लिए तो वन से इन्फिनिटी तक ग्राफ दिख रहा है तो वो हमेशा उसकी रेंज होगी डोमेन पूछता तो एक्स एक्सिस पे देख लेते तो वो माइनस इंट्री एंट्री तक बन रहा है बड़ी आसान सी बात थी स्टूडेंट्स आई होप आपको रेंज की अभी तक जितने भी तरीके हमने सीखे समझ आए चलिए विद दैट आगे बढ़ते हैं तो रेंज पर हमने काफी सारी बातें की काफी सारी चीज डिस्कस की इसके बाद अभी डोमेन और रेंज पर मैं डी रिलीज़ करूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी डाउनलोड करिए प्रैक्टिस करिए जम के प्रैक्टिस करिए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए बहुत क्लैरिटी मिलेगी और डीपीपी के सॉल्यूशन में आपको ये भी पता चल जाएगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो डोमेन रेंज पे हमने ऑलमोस्ट हर वैरायटी कवर करने की कोशिश की काफ़ी सारी चीज़ें की जितना भी हो सकता था ऑलमोस्ट हमने कवर किया हालाँकि डी के थ्रू और करेंगे एम और पी के थ्रू और करेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट डाउट्स में भी डिस्कस कर लेंगे लाइव लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लेंगे इवन आपके जो टेस्ट होंगे उनके थ्रू भी डिस्कस कर लेंगे सो so काफ़ी सारे मौके और मिलेंगे करने के बट आई होप डोमेन और रेंज पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि कैसे कैसे कितने सारे तरीकों से सोचा जा सकता है सो आई आई जस्ट गेव यू द डिफरेंट डाइवर्स अप्रोचेस कि सर ऐसे भी हो, भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है तो कोशिश करिएगा डी पी पी सॉल्व करने की और डी पी पी के सोल्यूशन के थ्रू हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे फिलहाल के लिए इतना ही समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से कि आपको पता है कि आप हमारा सारा मॉड्यूल www.magnetbrains.com वेबसाइट पर जाकर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं यानी मैग्नेट ब्रेन इंडिया का मैग्नेट ब्रीन्स इंडिया का नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सब कुछ मिलता है अब देखिए आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ आप पर आपको सारी चीजें मिलेंगी मतलब एवरीथिंग विल गेट और इसके अलावा भी जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी काफी कुछ है नीट एंड एवरीथिंग सो जैसे ही आप आई जेई सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो मैग्नेट ब्रीन्स का आई जेई का यूट्यूब चैनल भी है मैग्नेट ब्रीन आई जेई नीट वहां पर आप जाएंगे या यहाँ पर भी आप एक्सेस करें तो आपको सारे सब्जेक्ट सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिलेंगे जब आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोज देखना चाहते हैं तो जेक्ट के वॉच नाउ पर क्लिक करिए उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज आपको देखेंगे चैप्टर वाइज हर चीज आपको यहाँ दिखेगी उस चैप्टर का मटेरियल उस चैप्टर के लेक्चर्स उनके वीडियोस डीपीपीज डीपीपीज की पी उनके वीडियो सॉल्यूशन एमसीक्यू सी क्यू पी वाई क्यू एवरी थिंग यूल गेट अरेंज चैप्टर वाइज सो ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेट बेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हंड्रेड फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है और ये हमेशा यकीन करता है कि यहाँ पर इंडिया के आपको हमेशा टॉप टीचर्स एजुकेट करते हैं तो याद रखिए कि जो क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए बनाया जा रहा है काफ़ी काम का है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए चलिए आई होप जैसे ही आप यहाँ पर वॉश नाउ पर क्लिक करेंगे आपके लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे तो आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेंस की वेबसाइट पर ही सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज मैनर में फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यही सेम चीज़ें रेप्लीकेट होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर भी आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है तो अगर यहाँ से नीट समझ आ रहा है मतलब समझ में क्या आना है वो तो सेम ही बात है तो या तो यहाँ देख लो या यूट्यूब चैनल पर देख लो सबसे खास बात स्टूडेंट्स बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी है कि मैगनेट ब्रेन से हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका अपना खुद का एक आई टी का नीट का भी एक चैनल है यूट्यूब पर आई टी जेई नीट मैगनेट ड्रींस जो हमारे नाम से है आप हमेशा याद रखिए कि ये जो जरूरी चीज़ें हैं ये बहुत काम की चीज़ें हैं और इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है तो सच में अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड और एक्नोलिस्ड कि हाँ हमारी मेहनत सच में सही जगह डिलीवर हो रही है एंड ऑफ कोर्स अगर आपको नोटिफाइड रहना है अगर आपको यू नो अपडेटेड रहना है कि कोई भी नई चीज़ लॉन्च हो रही है कुछ भी नया अपडेट आ रहा है कोई भी नई चीज़ हो रही है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए एंड द मोस्ट इंपॉटेंट थिंग एक हंड्रेड फ्री एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो क्वालिटी एजुकेशन देता है हर सेक्टर में हर डोमेन में हर 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 सेक्शन में तो अगर ये चीज़ जहाँ भी जिस भी तरीके से जिसको भी जरूरत है अगर वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए ये सारे वीडियोस, चैनल्स लिंक्स ये सब उनसे भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ तो फिलहाल के लिए इतना ही वी आर कॉलिंग अ डे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स